तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरजासंगैक श्रृंगारिणे नद्यशेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्तिने नागैः कंकणिने नगेन गृहिणे नाथाय सेयन्नतिः सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलीस्वर तारानायक शेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यां मणिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम्बिकां मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं कर्णविवशं गोकुलं व्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनांगं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामुत अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। हे श्यामाजू बड़ी दयनीय दशा है, साधन भजन में सतत मन लगता नहीं है, विषयों से मन हटता नहीं है, ऐसी विषम परिस्थिति में आपके अतिरिक्त कोई हेतु नहीं है।
इसलिए आपके श्री चरणारविंदों में हमारी बारंबार यही प्रार्थना है, आपने सदमों के सरदार पर जैसी अनुग्रह भरी दृष्टि डाली है, बस ये करुणा भरी, ममता भरी, अनुग्रह भरी दृष्टि आपकी सतत बनी रहे, यही आपके श्री चरणारविंदों में हमारी बारंबार प्रार्थना है। परमादरणीय प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री महाराज श्री के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात, परमादरणीय पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री महेशानंद जी महाराज के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार वंदन, परमादरणीय पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भगवती के पावन पवित्र चरित्र से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने जीवन धन की ही अनेकानेक आकृतियां निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सब मिलकर के अपने जीवन को मधुर बनाने के लिए गोमती नदी तक तट पर अपनी चित्तवृत्ति ले चले, जहां सुनक जी महाराज के सुपुत्र शौनक आदि महात्मा जो वेद वेदांग के जानकार हैं, मनीषी हैं, विद्वान हैं, स्रोत स्मार्त कर्म करने में निष्णात हैं, ये संत चरण कर तो रहे हैं सब यज्ञ, किंतु यज्ञ में जो समय शेष बचता है उस समय का सदुपयोग करने के लिए पुराणों की पावन पवित्र गाथा श्रवण कर रहे हैं। कल हम सब श्रवण कर रहे थे श्री सूत जी महाराज के मुखारविंद से पांडव कुल में परीक्षित जी का जन्म चरित्र, प्रमाद के कारण एक ऋषि का अपमान हुआ जिसके कारण ऋषि पुत्र के द्वारा श्राप मिला, और श्राप के कारण सातवें दिन तक्षक नामक सर्प ने उन्हें डस लिया, शरीर पूरा हो गया। उस समय उनके पुत्र जन्मेजय की आयु बहुत छोटी थी, गद्दी पर तो उन्हें बैठाल दिया गया किंतु राजकाज का कार्यभार सब निश्चित रूप से मंत्रीगण ही संभालते थे। धीरे धीरे उन्हें वेदों का अध्ययन कराया गया, जब धनुर्वेद के अच्छे जानकार हो गए, शिक्षा दीक्षा उनकी हो गई, अर्जुनाय यथा द्रोणः कर्णाय भार्गवो यथा, जैसे श्री कृपाचार्य जी ने धनुर्वेद का ज्ञान पूर्ण रूप से अर्जुन को दिया था, श्री परशुराम जी महाराज ने कर्ण को दिया था, ऐसे इनके जीवन में सारे धनुर्वेद की जानकारी, अन्य वेदों की जानकारी इनको अपने कुल पुरोहित के द्वारा मिली, ये धर्मशास्त्र के जानकार थे, बड़े कुशल थे, सत्यवादी थे, जितेंद्री थे, चकार राज्यम धर्मात्मा पुरा धर्म सुतो यथा, जैसे कभी धर्म के अवतार ही श्री धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज ने राज किया था,
वैसे ही इन्होंने राज्य कार्य संभाल लिया। संयोग से एक दिन सभा लगी थी और उस सभा में एक ऋषि का आगमन हुआ। इनका उस समय ब्याह हो चुका था। काशी नरेश थे जिनका नाम सुवर्ण वर्मा था। उनकी सुंदरी कन्या से इनका उसका नाम बपुष्टमा था। पाणिग्रहण संस्कार हो चुका था इनका। राजकाज संभालते थे। उस समय एक ऋषि का आगमन हुआ। ऋषि बड़े तेजस्वी थे, बड़े कुशल थे। उनकी वाणी में एक आकर्षण था और राजा से मिलकर के उन्होंने अपनी बात रख दी। उन्होंने कहा क्षत्रिय का परम कर्तव्य है कि जो पिता का दुश्मन हो पुत्र का भी दुश्मन होना चाहिए, और क्षत्रिय को ऐसे राग द्वेष छोड़कर जीना नहीं चाहिए। अरे कार्या कार्यम न जानामि समये नपसत्तमः, तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस कार्य कार्य का तुम्हें ज्ञान नहीं है। तो जन्मेजय ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, यदि हमें जानकारी नहीं है तो आप ऋषि हैं, आप बता दीजिए मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं सीखने के लिए तैयार हूं, आप सिखा दीजिए मुझे। किम वैरम न मया ज्ञातम न किम प्रतिकृतम मया तदवत तुम महाभाग करोमि यदनंतरम। मुझे किससे दुश्मनी करनी है, मेरा कौन दुश्मन है मुझे पता ही नहीं है, और हमको क्यों से दुश्मनी करनी है आप कृपा करके हमको बताइए। तो महात्मा का नाम था उत्तंग ऋषि। हमारे एक संत ने मुझे एक बात बहुत अच्छी कही दिन एकांत में। उन्होंने कहा कि कौन क्या कह रहा है इसका बहुत ध्यान मत रखो। वैसे कहते क्या कहा जा रहा है उसका ध्यान रखो। वो महात्मा कहते कौन क्या कह रहा है ये ध्यान मत दो, क्यों कहा जा रहा है ये ध्यान दो। बहुत सजग रहना चाहिए व्यवहार में। अगर आप सजग नहीं रहोगे तो राग द्वेष की सृष्टि कोई ना कोई आकर हमारे अंतःकरण में कर जाएगा। जन्मे जैसे धर्मात्मा गुरु चरणों में अनुरागी और ये उत्तंग, इनकी पुरानी दुश्मनी सर्पों से थी। तो ये सर्पों का उस समय तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, इनको अब मौका मिल गया। इनको लगा कि यदि राजा के साथ हम मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से सर्पों को हम नष्ट कर सकते हैं, सर्पों को हम समाप्त कर सकते हैं। उत्तंग ने कहा कि मैं कुछ नहीं कहता हूं, आप अपने मंत्री से ही पूछ लीजिए कि तुम्हारे पिताजी की मौत कैसे हुई थी, तुम्हारे पिताजी कैसे मरे थे। तो मंत्रियों को बुला करके जन्मेजय ने पूछ दिया कि हमारे पिताजी का देहावसान कैसे हुआ था। तो मंत्रियों ने बता दिया कि सर्प के काटने से। सच में उत्तम कुल का ये द्योतक है, ये द्वेष भूल ही चुके थे और इनके चित्त में कोई दुश्मनी करने का मंत्रणा भी नहीं थी कि सर्प ने काट लिया है तो सर्प से दुश्मनी करने के लिए जाए, इनके चित्त में कुछ था नहीं। तो उन्होंने बताया कि वो तो ऋषि कुमार के द्वारा शापित थे, इसलिए ऋषि कुमार कि कहने के आधार पर तक्षक को आकर के काटना पड़ा।
हमारे जन्मेजय ने पूछ दिया महाराज सापो यत्र कारणम राज्ञः, हे महाराज हमारे पिताजी के मरने में सर्प कारण नहीं है, साप कारण है। वो तो बेचारा पराधीन था, उसको आकर के काटना पड़ा। और सप्तस्य मुनिना किल, सप्त किसी मुनि के द्वारा दिया गया है, मननशील के द्वारा दिया गया है, इसलिए उनसे भी हमारा द्वेष करना उचित नहीं है। इसमें तक्षकस्य तो को दोषः, ब्रूहि में मुनि सत्तम, हे मुनियों में श्रेष्ठ इसमें तक्षक का क्या दोष है। तो चतुर लोग महाराज बड़े अच्छे ढंग से अपनी बात रखते हैं। इन्होंने महाराज वो चवन ऋषि की परंपरा में उत्पन्न होने वाले रुरु की कथा सुना दी, जिनका विवाह एक कन्या से परमद्वारा से हुआ था और संयोग से उसका देहावसान हो गया था। सर्प काटने के कारण तो वो ऋषि ने काम तो ये किया था कि अपनी आधी आयु देकर अपनी धर्मपत्नी को उसने जीवित कर लिया था, किंतु उसने सर्पों से दुश्मनी ठान ली थी कि अब जहां भी कोई सर्प मिलेगा मैं सर्प को छोड़ूंगा नहीं, जहां भी जैसे कोई सर्प मिलता था ये तुरंत मार देते थे रुरु जी पकड़ करके। एक दिन संयोग से महाराज यम यम सर्पम प्रपश्यामी तम तम उस मारा सर्प को ही मार देते थे। एक दास बने घोरम, एक दिन घनघोर वन में थे तो महाराज इन्होंने डुंडुभम, एक सर्प की प्रजाति है। वैसे तो संक्षेप में जो गीता प्रश्न वालों ने अर्थ किया है, ये डुंडुभम का अर्थ उन्होंने अजगर कर दिया है, किंतु डुंडुभ का अजगर अर्थ ठीक नहीं है। अजगर इसलिए ठीक नहीं है कि अजगर जो प्रजाति है वह निश्चित रूप से दूसरों को खा जाती है, मनुष्य खा जाती है, जंतुओं को खा जाती है, किंतु ये डुडुब नाम की जो प्रजाति है ये सर्प लाल रंग का होता है, इसके दोनों तरफ मुख होते हैं, दो मुहा सर्प, ये किसी को काटता नहीं है और बहुत सीधा होता है। हम लोगों ने गांव में इसको देखा है और हमारे महाराज जी तो बड़े चतुर हैं। महाराज जी से किसी वकील ने प्रश्न किया, वकील ही ने हमको बताया, दिल्ली के थे। अब पता नहीं सर शरद शरीर है नहीं, भरद्वाज शरीर नहीं है भरद्वाज जी, तो उन्होंने बताया कि एक बार मैंने महाराज जी से पूछा कि जितने व्यापारी सर्प हमारा धन छुपा छुपा कर बनिया लोग रखते हैं, ये सब मरने के बाद निश्चित रूप से सर्प बनते हैं। तो महाराज जी ने हंस करके कहा, वकील भी दो मुआ वाला सर्प बनता है, इधर से भी खाए उधर से भी खाए। तो ये दो मुआ जो सर्प है ना, इधर उधर चलने वाला, तो डुडुब का अर्थ वही है, क्योंकि इसमें एकदम लिखा हुआ है कि उसने कहा इनको डुडुब ने कि सबको अपने प्राण प्रिय हैं, हमें भी अपने प्राण प्रिय हैं, और मैंने तो आपका कोई अपराध किया नहीं है, और आपका ही क्या, मैं किसी का भी नहीं करता हूं, मैं किसी को काटता नहीं हूं, किसी को दंड नहीं देता हूं, ना हम दशामि ते अन्ने ये वही दशंति भुजंगमाहा, जैसे अन्य भुजंग दूसरों को डसते हैं वैसे मैं तो किसी को डसता नहीं हूं, केवल ये शरीर मिल गया है, शरीर का भोग भोग रहा हूं। तो उत्तंग ऋषि ने कहा कि उनसे पूछ दिया रूने की, क्यों भाई तुमको ये शरीर मिला है जिसको तुम भोग रहे हो। तो उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मणोयम पुरा विप्र सखा में, एक हमारे ब्राह्मण सखा थे, बड़े धर्मव्रत प्रायण थे, सत्यवादी थे, जितेंद्री थे। एक दिन नारायण संध्या वंदन कर रहे थे और अकस्मात मेरे को कौतुक सूझा और मैंने ऐसे तिनके का सर्प बना करके उनको डरा दिया, और डराने के कारण थर 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 कांपने लगे। कई बार महाराज होता है कि अकस्मात ऐसी कोई चीज दिख जाए तो डर लग जाता है।
और कई बार चित्त तो ऐसा होता है कि चाहे कितना भयंकर कुछ दिखे डर नहीं लगता है। हम कई बार देखते हैं व्यासपीठ पर, हम तो पता नहीं महर्षि का शायद कृपा है कुछ, हमको व्यासपीठ पर डर ही नहीं लगता है। हमने तो एक दिन देखा कि मध्य प्रदेश में अपने शरीर की कथा चल रही थी और मैं व्यासपीठ पर बैठा था, हजारों की भीड़ लगी, खेत में कथा थी और सर्प एक दिन महाराज बिस्धर सर्प ऐसे हमारी व्यासपीठ पर चढ़कर हमारे पैर की ओर बढ़ने लगा और बिल्कुल हम देख रहे हैं कि हमारे पैर की ओर आ रहा है, किंतु अपने को बिल्कुल डर नहीं लगा कि काट लेगा कि क्या होगा। एकदम मस्ती में जैसे कथा कह रहे थे, एक सेकंड के लिए रुके जरूर और रुक करके मन से हमने उसको प्रणाम करके कहा कि तुम नीचे जाओ नहीं तो इतनी भीड़ अभी कोई देख लेगा तो तुमको मार डालेगा, और इतना कह के फिर कथा करना चालू कर दिया, वो निकल गया नीचे तुरंत। तो कई बार चित्त शांत होता है तो डर नहीं लगता और कई बार छोटी सी चीज से डर लग जाता है। महाराज उसको इतना डर लगा उस ब्राह्मण बालक को, भयभीत होकर कांपता हुआ कहा कि तूने जो हमको डराया है ना, जा सर्प बन जा। तो तुरंत वो सर्प बन गया। तो उसने कहा जब मैं सर्प बना बनने की बात आई तो मैं रोने लगा कि मैं तो विनोद कर रहा था और अहिंसा परमो धर्मो विप्राणाम नात्र संशया। ये लोग महाराज आधा श्लोक बोला जाता अधिकतर, अहिंसा ही परमो धर्मो, अहिंसा ही परम धर्म है, किंतु किसके लिए? ब्राह्मणे न विजानिता, ये ब्राह्मण के लिए अहिंसा परम धर्म है। अब जरा विचार करो, यही सूत्र सब जगह लगा दो कि अहिंसा परम धर्म है, तो जो बॉर्डर पर सैनिक खड़े हों और उधर से आतंकवादी आए और सैनिक कहे कि हमारे उस देश के वासी हैं जिस देश में अतिथि को परमात्मा मानते हैं, अतिथि देवो भव, आप तो हमारे देवता हो और जाओ जो करना हो सो करो, हम तो अहिंसा परम धर्म मानने वाले व्यक्ति हैं, आप जरा विचार कीजिए वो अपराधी होगा कि नहीं होगा। तो किसके लिए कौन धर्म है? धर्म एक व्यक्ति के लिए एक जैसा धर्म नहीं है। मैं सप्तम स्कंद में पढ़ता हूं कई बार, जो वानप्रस्थी सन्यासी के लिए अधर्म है वही गृहस्थाश्रम में धर्म है। तो कौन सा धर्म किसके लिए है, ये विचार करने लायक है। हां, ब्राह्मण के लिए तो अहिंसा परम धर्म है और कहा कि यज्ञ में तो इस प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। महाराज कई बार छोटे छोटे वाक्य जो हम समाज में प्रचलित हो गए हैं लोगों, उनको लेकर के और बिना विचारे बिना समझे न धर्म की व्याख्या जानते हैं, न भक्ति की व्याख्या जानते हैं, न कर्म की व्याख्या जानते हैं, उस पर इतना विरोध करते, इतना जोरंदारी से अपनी बात रखते हैं और कहते हैं देवी भागवत में लिखा है, भागवत में लिखा है, गीता में लिखा है। अरे भाई लिखा है किंतु पूरा तो बोलो, एक चरण बोलने से काम थोड़ी बन जाएगा, किंतु कुशल लोग अपने प्रमाण के लिए जितना चरण काम आता है उतना काम ले लेते हैं और जो प्रमाण के लिए अपने काम का नहीं उसका परित्याग कर देते हैं। इन्होंने महाराज कहा कि ये ठीक नहीं है जो आपने किया है। तब उस समय उसने कहा अच्छा जाओ तुम सर्प तो बनोगे किंतु तुम किसी का अहित नहीं करोगे। तो कहा इस सर्प योनि से हमारा उद्धार कैसे होगा, कैसे हम छूटेंगे इससे? कहा इसका छूटने का साधन यही है कि जिस समय रुरु नाम के ऋषि तुम्हारा स्पर्श करेंगे, तुम्हें मारने के लिए आएंगे और उनका दर्शन होगा तो तुम इस योनि से छूट जाओगे। तो जिस दिन महाराज ये बात बताई उतंग ने को, तो सचमुच में रुरु ने तो फिर सर्पों को मारना छोड़ दिया और कहा कि आज के बाद हम सर्पों को नहीं मारेंगे। किंतु उत्तंग ने कहा कि उनको ने तो छोड़ दिया किंतु आपको सर्पों को नहीं छोड़ना चाहिए और सर्पों को मारना ही चाहिए। तुम्हारे पिता का हत्यारा है
इसलिए उसको तो आप निश्चित रूप से तक्षक तो छोड़ने लायक है ही नहीं। महाराज इन्होंने तुरंत आज्ञा दे दी मंत्रियों को कि बहुत बड़ा यज्ञ किया जाए सरयू के किनारे। विशाल यज्ञ का यहां वर्णन है। विशाल यज्ञ किया गया, यज्ञ में स्वयं उत्तंग ऋषि होता के रूप में बैठे, कोई उद्गाता के रूप में ऋषि बैठे, सब वर्ण करके और यज्ञ प्रारंभ हो गया। अब सर्पों को ही महाराज आहूत करने लगे, किंतु तक्षक ने जब देखा तो तक्षक तो घबरा करके इंद्र के पास गया और इंद्र ने उसको अपने सिंहासन पर साथ में बैठा लिया कि यही बैठो, हमारे पास कोई डर नहीं है। किंतु महाराज मंत्रों का सामर्थ्य देखिए, मंत्रों का प्रभाव क्या होता है। इन्होंने तुरंत महाराज ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया कि इंद्र सिंहासन सहित तक्षक के सहित आ जाए। अब इंद्र ने कहा कि हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते हैं। आस्तिको नाम महाधर्मात्मा जरत कारु सुतो मुनि। एक महात्मा है आस्तिक, और आस्तिक के पास तुम लोग जाओ तो निश्चित रूप से तुम्हारी वो रक्षा कर सकते हैं। और ये आस्तिक की शरण में गए तो आस्तिक जी ने आकर के तुरंत महाराज जन्मेजय को समझाया और जन्मेजय को समझा करके यज्ञ करना बंद करा दिया। और यज्ञ जब रुक गया तो हमारे सूत जी महाराज ने ये बात सुनाई कि यज्ञ रुकने के बाद जन्मेजय ने पूछ दिया वेदव्यास जी महाराज से कि आप कृपा करके बताइए ये आस्तिक कौन है और ये क्यों आए थे यज्ञ बंद कराने के लिए, कारण क्या है इसका, आस्तिक किसकी संतान है, हम सुनना चाहते हैं। तो हमारे श्री वेदव्यास जी महाराज ने कहा, सुन राजन प्रवक्षामि पुराणम गुह्यमद्भुतम पुण्यम भागवतम नामो नानाख्यानयुतम शिवम। जन्मेजय तुम सावधान होकर के सुनो, नाना प्रकार के उपाख्यानों से जो सजा हुआ है कल्याणप्रद, जिसका नाम श्रीमद देवी भागवत है, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष आदि को देने वाला है केवल श्रवण से। आप श्रवण करो, धर्मार्थ काम मोक्ष मिल जाए, सुभदम सुखदम नित्यम, ये निश्चित रूप से सुभग भी है सुखद भी है। जन्मेजय ने कहा कि महाराज इसकी तो बड़ी अलौकिकी महिमा है, आप कृपा करके हमको ये पुराण सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। और हमें ये जरत्कारु कौन है, शांत चकार गृहाश्रम तेन तृष्टा बने गरते, आप कृपा करके इसके बारे में हम सुनना चाहते हैं, आप जान करके कृपा करके हमको सुनाओ। तो हमारे वेदव्यास जी महाराज ने बताया कि कश्यप जी महाराज की दो पत्नियां हैं। ये दृष्टांत बड़ा पुराणों में, लगभग सभी पुराणों में है, जहां दैवासुर संग्राम की चर्चा चलती है, जहां कश्यप ऋषि की चर्चा चलती है, क्योंकि कश्यप पश्यक हैं और आदि ऋषि हैं, इसलिए इनकी चर्चा आती है। तो ये चरित्र आता भी है, किंतु बड़ा सारगर्भित है और हम लोगों को शिक्षा देने वाला भी है। कथा तो बड़े विस्तार से, हम उस विस्तार से नहीं सुनाएंगे, आप इतना ही समझ लीजिए कि एक पत्नी का नाम दिति है, एक का नाम अदिति है। ऐसे इनकी पत्नियां और भी हैं कश्यप की, एक पत्नी इनकी बिनता भी है, एक पत्नी इनकी कद्रु भी है। तो बिनता ये हमारे श्री भगवान विष्णु की सेवा में रहने वाले, उनके पार्षद, उनको इधर से उधर ले जाने वाले, सेवा में लगे हुए गरुण जी महाराज की मां है। और ये जो कद्रु है ये सर्पों की मां है। संयोग से दोनों सौतें एक दिन बैठी हुई चर्चा कर रही थी, यहां बिनिता की तरफ से प्रस्ताव आया है। बिनिता ने कहा कि सखी एक बात बताओ तुम हमें, ये श्वेत एवास अजोपि किंवा, ये जो महाराज सामने सूर्य दिखाई पड़ रहा है, इसके सूर्य के रथ में जो घोड़ा लगे हुए हैं, उस घोड़ों की पूछ श्वेत है कि अन्य रंग की है। तो उन्होंने कहा कि श्वेत रंग की, मैं तो ये मानती हूं श्वेत रंग की, बिनता ने कहा। और कद्रु ने कहा कि नहीं नहीं कृष्ण वर्ण की है। बिनता ने कहा अच्छा शर्त लगा लेते हैं, और शर्त लगाने के बाद
जब देखने का समय आया तो कद्रू ने अपने पुत्रों को बुला करके कहा कि तुम जाओ और जाकर के घोड़े की पूंछ में लग जाओ। कई सर्पों ने महाराज मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे और ये काम उचित नहीं है, ठगने का काम है। तो मां ने कोप में आकर के कहा कि तुम मातृ आज्ञा नहीं मानते हो, जाओ जन्मेजय जब यज्ञ करेंगे तो उस यज्ञ में तुम सब जलकर राख हो जाओगे। किंतु कुछ सर्प चले गए और लग गए। बाद में जब देखने के लिए गई तो दूर से देखा तो स्वाभाविक था कि सर्प लगे हुए थे, इसलिए काली पूछ दिखी और काली पूछ दिखने के कारण बिंता कद्रू की दासी बन गई। हमारे पूज्य पंडित जी महाराज इसमें एक बहुत रसीली बात कहते हैं इस उपाख्यान में। पंडित जी मान रामकिंकर जी महाराज पूज्य पंडित जी, उन्होंने कहा कि यह कथा, क्योंकि राम जी के यहां रोज कथा चलती थी, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, वहां अवध में रोज पुराणों की कथा होती थी और वशिष्ठ जी महाराज पुराण वक्ता थे, वो सुनाते थे बैठ करके। राम जी सुनते सब थे जानने के बावजूद भी, और बड़े आदर से सुनते थे। कई बार कथा सुनने के बाद जब चारों भाई एक जगह एकत्रित होते थे तो कथा पर विचार करते थे और कथा पर विचार करके पूछते कि भाई इसका अभिप्राय क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, इसमें कौन सही है कौन गलत है। एक दिन वशिष्ठ जी ने यही कथा सुनाई। अच्छा, वहां नियम बड़ा विलक्षण था। अवध की परंपरा यह थी कि जिस समय वशिष्ठ जी महाराज कथा सुनाएंगे उस समय सेवक हो मालिक हो सब बैठकर कथा सुनेंगे, और यही कारण था कि मंथरा को भी बहुत कथाएं आती थी। महाराज जब कैकेयी को समझाने लगी तो 100 सौतों की कथा सुना दी। अगर वो इतनी कथा न सुनी होती पुराणों की कथा, तो इतनी सौतों की कथा उसको कहां से याद होती। प्रमाण दे दे करके कहा कि वो 100 दुख पाई, वो 100 दुख पाई, वो 100 दुख पाई, तो कथा सब सुनते थे। तो जब ये कथा हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज ने सुनाई तो चारों भाई जब सरयू के किनारे मिले तो राम जी ने भरत जी से पूछा कि आज की कथा सुनी। बोले हां भैया सुनी। तो बोले इसमें कौन दोषी है, विनीता दोषी है कि कद्रू दोषी है, कौन दोषी है, किसको तुम दोषी मानते हो इस पूरी कथा में। तो भरत भैया ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभो इसमें सर्प ही दोषी है जो जाकर के पूंछ में लग गए। राम जी ने कहा कि वो क्यों दोषी है, क्या कारण है उसमें, वो तो मातृ आज्ञा मान रहे थे। बोले कोई भी दुनिया का व्यक्ति क्यों ना हो, यदि धर्म के विपरीत आज्ञा दे तो उसको मानना नहीं चाहिए, धर्मानुकूल आज्ञा हो वही मानना चाहिए। तो पूज्य पंडित जी महाराज कहते हैं राम जी जान गए कि अब ये गद्दी पर बैठने वाला नहीं है, मनोदशा पता चल गया। लखनलाल जी से पूछा गया आप किसको दोषी मानते हो, लखनलाल जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज गुण दोष का निर्णय करना तो बड़ा कठिन है, मुझे तो ऐसा लगता है जिस पथ पर अपना स्वामी चल पड़े उस पर चलना चाहिए, ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। शत्रुघ्न को पूछा गया, उन्होंने भी महाराज यही कहा कि किसको दोष दे इसमें, हम तो अपने स्वामी की सेवा में लग जाते हैं। किंतु राम जी से लखनलाल जी ने पूछ दिया भैया आप किसको दोषी मानते हो। ध्यान दीजिएगा ये बात बहुत बड़ी है, रसीली है। उन्होंने कहा कि मैं विनीता को दोषी मानता हूं। आश्चर्य लगता है कि विनीता तो सही कह रही थी। कई बार सही कहने वाले लोग भी समझते हम तो सही है, हमको दंड क्यों मिले। वो सही कह रही थी कि घोड़े उसके पूछ सफेद है, किंतु उसके बाद भी वो गलत है। क्यों गलत है, कारण क्या है, वह गलत नारायण इसलिए है कि उसने श्रुति प्रमाण की अपेक्षा अपनी दृष्टि प्रमाण को श्रेष्ठ माना। याद रखना चाहिए श्रुति प्रमाण जो है उसके सामने दृष्टि प्रमाण प्रमाणित नहीं है।
जो वेद में लिखा है वो सही है, भले अगर हमको दिख नहीं रहा है वो, तो हम प्रमाण नहीं, वेद प्रमाण है। और विनिता से गलती यही हुई थी कि विनिता का दोष यही था कि उसने श्रुति प्रमाण न मानकर अपने नेत्रों को प्रमाण माना कि हमने देखा है काली है। अरे भले आपकी आंखों से काली दिख रही है, लेकिन तो वेद में ये वर्णन है, श्रुति में ये वर्णन है कि वे श्वेत रंग के हैं, तो श्वेत रंग के ही हैं, और इसमें कहीं भी अपनी बुद्धि को हमारा ढिलाना नहीं चाहिए। उसमें जो लिखा है वो बिल्कुल यथार्थ है, या निश्चय अपने चित्त में हो तो निश्चित रूप से अपने को कोई ठग नहीं सकेगा। यदि हम ठगे जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा ही त्रुटि होती है। तो यहां विनिता ने महाराज देखा कि मैं दासी बन गई तो बड़ी दुखी थी। गरुड़ जी ने पूछ दिया कि मां तुम दुखी क्यों हो, तो सारी कहानी बता दी। गरुड़ जी ने कहा चिंता मत करो, मैं आपका सहयोग करूंगा और आपको जो सेवा करने के लिए कह रही हैं। विनिता ने कहा था कि हमारे बच्चों को तुम ढो, तो कहा जो आज्ञा करेंगी। तो हमारे श्री गरुड़ जी महाराज गए, कहा कि मां जो जो आज्ञा करो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो विनिता ने कहा कि हमारे सभी बच्चों को तुम समुद्र के उस पार ले चलो, सबको ढो ढो करके जो आहार थे वही ढोना पड़ा, समय का खेल है ये, जो भोजन है आज वही पीठ पर लाद कर उनको ले जाया जा रहा है। सिंधो पारम जगाम हा, और जब समुद्र के पास उन सबको लेकर गए, कहा कि अब क्या आज्ञा करें, आप आज्ञा करो हम सेवा करें। तो कद्रु ने कहा अमृतम देवलोकत्वम, देवलोक में अमृत है, वहां से तुम लेकर के आओ और हमारे बच्चों को पिलाओ, हमको पिलाओ, उसके बाद तुम इस दासी पने से छूट जाएगी तुम्हारी मां। गरुण जी महाराज बड़ा पुरुषार्थ करके जा करके स्वर्ग में युद्ध करके देवताओं को हरा करके वहां से महाराज लेकर के तो आ गए, किंतु जहां कलश रखा वहां कुश रखे हुए थे, और कहा स्नान करके आओ। तो जब तक स्नान करने के लिए गए तब तक इंद्र छल करके चुरा ले गए, वहां कलश रहा नहीं। अब ये जितने सर्प आए थे वहां जहां कुश पड़ा था वहां चाटने लगे कि शायद कोई एक आध बूंद यहां पड़ी हो और हमको मिल जाए तो हम अमर हो जाएं। तो संयोग से चाटने लगे तो सर्प के पहले एक ही जीभ होती थी, किंतु महाराज दो जीभें हो गई, पीछे से जीभ फट गई उनकी, इसलिए आप देखेंगे सर्पों को दो जीभें होती हैं। और महाराज यहां से तो चले आए, किंतु मां ने जिनको श्राप दिया था कि तुम जल करके राख हो जाओगे, यही उनके यज्ञ में आकर के विध्वंस करने लगे, जलने लगे थे सब। किंतु आस्तिक मुनि वासुकी भगनीम तस्मई, महाराज एक महात्मा थे जिनका नाम जगतकारू था, उनके साथ वासुकी नाग की बहन का भी वही नाम था, उनके साथ ब्याह किया था, उन्हीं के पुत्र थे आस्तिक, और आस्तिक ने आकर के इनको बचा लिया था। जब ये बात सुनाई तो हमारे श्री जन्मेजय ने कहा कि महाराज ये विस्तार से सुनाओ, हम सुनना चाहते हैं। इसमें एक बात बड़ी बहुत बढ़िया है, ये जगतकारु नाम के जो ऋषि हैं, ये महाराज तीर्थ यात्रा में निकले तो देखा क्या कि उनके पूर्वज एक गड्ढे में पड़े हुए हैं और बहुत दुख पा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि महाराज आपका उद्धार कैसे होगा, तो कहा आपसे कोई संतान उत्पन्न हो वो हमारा उद्धार कर सकेगी। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आपकी आज्ञा है कि मैं ब्याह करूं तो निश्चित रूप से हमारे नाम रूप वाली जो कन्या मिलेगी, हमारे नाम वाली, उसी के साथ ब्याह करेंगे। और संयोग से ये वासुकी नाग की बहन ही ऐसी थी, तो जब ये वासुकी नाग अपनी बहन को लेकर के आए, क्योंकि उनको पता था कि इसके उदर से जो बालक उत्पन्न होगा वही निश्चित रूप से सर्पों का रक्षक होगा, तो अपनी बहन को लेकर के महाराज इनके पास आए जगतकारु के पास। इन्होंने कहा मैं ब्याह तो करूंगा किंतु शर्त के साथ, ये किसी भी हमारी क्रिया में कभी विरोध न करे और जो हम आज्ञा करें वो पालन करें। उसने स्वीकार कर लिया, ब्याह हो गया। किंतु एक दिन ऋषि ने कहा कि हमको शयन करना है, और वह शयन करने के लिए महाराज
लेटे हुए थे, निद्रा के वशीभूत थे, तब तक संध्या होने लगी। और दर्शी की पत्नी ने विचार किया कि यदि ये सोते रहेंगे तो धर्म की हानि हो जाएगी, और यदि मैं जगा देती हूं तो ये निश्चित रूप से हमारा त्याग कर देंगे। महाराज कह, उस पूर्व समय में कैसे लोगों का आदर था धर्म के प्रति। उन्होंने कहा धर्म नाशाद वरम त्यागः, महाराज धर्म का पालन हो चाहे भले हमारा त्याग हो जाए, और मैं जानती हूं कि निश्चित रूप से त्याग मरण के समान होगा, किंतु भले ही हमारा मरण हो जाए किंतु हम धर्म विरोध से इनको जाने नहीं देंगे। और सचमुच में होना तो यही सही है, पत्नी नाम ही उसका है जो अपने पति को पतन से रोक ले, और जो पत्नी अपने पतन से पति को न रोक पाए वह पत्नी कैसी। इसलिए इन्होंने कहा धर्म हान निवारणम ही नरकाय भवेत पुनः, भले ही मुझे धर्म का पालन करते करते नरक में जाना पड़े बार बार, तब भी मैं धर्म का पालन करूंगी। और संयोग से जब इन्होंने उन ऋषि को जगाया तो ऋषि कुपित हो गए, और कुपित होकर के कहा कि मैंने मना किया था, तूने मुझे जगा क्यों दिया, अब तू हमारा साथ छोड़कर जा, तू तेरे को नहीं रखूंगा। वो बिचारी सोचने लगी, प्रणाम करके कहा कि जिसलिए हमारे भाइयों ने आपके पास भेजा था वो तो काम पूरा ही नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा अस्ति इति उक्ता, अस्ति माने है, जिसलिए तुमको भेजा गया था वो काम हो गया है। ये कह करके उनको विदा किया, और जब उसने जाकर अपने भाइयों को बताया तो भाइयों को लगा कि ऋषि तुम अमोघ थे, और उन्होंने अस्ति कहा है तो निश्चित रूप से इसमें गर्व है, अपनी बहन का बड़े ढंग से भरण पोषण किया है। और बहन का भरण पोषण करने के बाद जब उसने प्रसव किया तो सचमुच में बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो गर्भवती थी, तो आस्तिक इति नामासो, क्योंकि उन्होंने अस्ति कहा था इसी के कारण उन्होंने उसका नाम आस्तिक रख दिया। और आस्तिक ही कहा कि महाराज आज भी हमने पूज्य संतों से सुना है जहां बहुत ज्यादा सर्प निकलते हों वहां ये आस्तिक का नाम लो, सर्प निकलना बंद हो जाएंगे। आस्तिक नाम से ही सर्प अपनी मर्यादा को मानते हैं। बाद में जन्मेजय जी ने कहा कि गुरुदेव आप कृपा करके हमको ये देवी भागवत का पावन पवित्र चरित्र सुनाएं। भगवन भवता प्रोक्तो यज्ञ सम्माधियम महत, आपने मुझे कहा था कि एक देवी यज्ञ होता है, सा का कथम समुत्पन्ना कुत्र कस्माश्च किम गुणः, वह कहां यज्ञ होगा, कैसे यज्ञ होगा, और उसकी यज्ञ करने की विधा क्या है, आप कृपा करके बताओ, हम सुनना चाहते हैं। जब महाराज ये पूछा तब और कहा ये भी पूछना चाहते हैं कि सृष्टि कैसे बनी। पुराणों में नारायण बार बार ये सृष्टि विषयक प्रश्न होते हैं। इसका एकमात्र कारण है कि यदि सृष्टि का मूल हमको पता चल जाए तो निश्चित रूप से हमको सूल नहीं होगा। ये बार बार जो हम मरने जन्मने में लोगों के दुखी होते रहते हैं, कोई वस्तु नष्ट हो जाती है तो दुखी होते हैं, मान अपमान से दुखी होते रहते हैं, इसका मूल कारण है कि हम इसके मूल को नहीं जानते हैं। अगर जगत के मूल से हम परिचित हों तो निश्चित रूप से सूल नहीं होगा। तो पुराणों में कहीं न कहीं किसी न किसी विधा से यह सृष्टि विषयक प्रश्न जरूर किया जाता है, और सृष्टि का कहीं संक्षेप से कहीं विस्तार से वर्णन भी किया जाता है, क्योंकि इसका मूल कारण पता चल जाए हमको। इन्होंने पूछा है कि ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रस्य त्रयो देवा मया श्रुता, मैंने तीन देवताओं का नाम सुना है, एक ब्रह्मा का, एक विष्णु का, एक रुद्र का, सृष्टि पालन संहार कारकाः सगुणाष्टमौ, ये निश्चित रूप से सृष्टि पालन संहार करने वाले हैं, आप कृपा करके ही पराशर जी महाराज के सुपुत्र मुझे बताइए। और मैं ये भी सुनना चाहता हूं कालस्य बसगा नोवा ते सुरेंद्र महाबलाः कथम ते वै समुत्पन्ना, ये इंद्र कौन है, किससे उत्पन्न हुआ है, और महाराज सर हर्ष शोक युतास्ते, ये संसार तो कभी हर्ष कभी शोक देने वाला है, इस विषय में भी हम जानना चाहते हैं। वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि दुर्गम प्रश्नम,
ये तुम्हारा प्रश्न बहुत दुर्गम है, ये सृष्टि के विषय में बताना तो बहुत कठिन है। एतदेव यथा पूर्वम पृष्टोसो नारदो मुनि, जैसे आज आपने मेरे से पूछा है वैसे मैंने कभी यही प्रश्न नारद मुनि से किया था। तो श्री नारद जी महाराज मुनि ने हमको बताया था, अब महाराज कस्मिनश्च समये चाहम संग गिरे स्थितम मुनिम, एक बार बद्रिकाश्रम में मैंने महात्मा को देखा, नारद जी महाराज को, और देख करके अपश्यम नारदम शांतम सर्वज्ञम वेदवित्तमम, नारद जी महाराज के बारे में कहा गया कि बड़े शांत महात्मा हैं और सर्वज्ञ हैं, वेदवित्तमम। सचमुच में महाराज नारद जी को ऐसी कोई विद्या नहीं जो आती न हो, ये सभी विद्या के जानकार है, भूत विद्या, प्रेत विद्या, गंधर्व विद्या। उपनिषदों में वर्णन है कि जब वे सनत कुमारों के पास दुखी होकर गए और कहा कि भगवान हमें ज्ञान सुनाई, तो बोले आपको आता क्या है, पहले ये बताओ आपको क्या क्या जानकारी है। महाराज इन्होंने इतने विस्तार से बताया है कि इतनी जानकारी हमको है, किंतु उस समय ध्यान रखने लायक बात यहां भी ऐसे ही है, व्यक्ति चाहे, और मूल में एकदम स्पष्ट अक्षरों में लिखा है, 18 पुराण पूरे के पूरे किसी को याद हो और बढ़िया से बढ़िया कथा करता हो, प्रवचन करने में बड़ा कुशल हो, समझाने में कुशल हो, किंतु उसे यदि यदि आत्मा का बोध नहीं है तो शोक से पार नहीं जा सकता है। वो दुनिया को भले जानता हो, यदि अपने को नहीं जानता है तो कभी सुखी नहीं बनेगा। और जितने शास्त्र हैं लगभग ये शास्त्र सब दुनिया को बताने वाले हैं। तो महाराज ये तो सर्वज्ञ थे, वेदविद थे, इन्होंने कहा उनको देख करके मैंने प्रणाम करके और उनसे प्रार्थना की, श्रुत्वा कुशल वार्ता वही ताम प्रक्षम विधे सुतम, मैंने उनसे पूछ दिया कि महाराज आपका कैसे स्वास्थ्य कैसा है, आप आनंद से तो हैं। उन्होंने महाराज सब बता करके शांति अपना कुशलक्षेम कहने के बाद जब शांत बैठे तो हमने उनसे यही पूछा था कि आप कृपा करके हमको बताइए ये सृष्टि कैसे बनी। और ब्रुवंत महाराज, ब्रुवंत शंकरम केचिन मया कारण कारकम, आप मुझे शंकर के बाद महाशिवम महादेवम, जो प्रलय करने वाले हैं उनका बनाने वाला कौन है, आत्मा रामम सुरेशम च त्रिगुणम निर्मलम हरम, हमको भगवान शंकर के विष्णु के बारे में सुनाइए जो संसार का पालन करते हैं, हमको धाता के बारे में सुनाइए जो महाराज सृष्टि का सृजन करते हैं। और मैंने सुना है महाराज ये दिनेश सुरेश यज्ञेश सुराधीश सब उनकी आराधना में लगे रहते हैं पर ब्रह्म परमात्मा की, वरुणम च तथा सोमम पावकम पवनम तथा यमम कुमेरम धनदम गणाधीशम तथा परे हेरम्ब गजवक्त्रम च। इन्होंने कहा कि महाराज कई लोग कहते हैं कि आराधना गणेश की करो, तो गणेश की आराधना से सब कुछ मिल जाता है, गजवक्त्र सर्व कार्य प्रसादकम सभी कार्य बनाने वाले हैं, कोई कहता है वरुण की आराधना करो, कोई कहता है सोम की आराधना करो, कोई कहता है अग्नि की आराधना करो, कोई कहता है पवन की आराधना करो, कोई यम कुबेर की आराधना में लगाना चाहता है। कई लोग महाराज कहते हैं कि आप भवानीम के महाराज केचनाचार्यम, कोई कहता है भवानी की आराधना करो, मैं किसकी आराधना करूं। और सच में नारायण बहुत ज्यादा पंथ हो जाए तो निर्णय नहीं हो पाता किस पथ पर जाए, भले सभी पथ एक जगह पहुंचाते हैं किंतु हमें निर्णय तो बताने वाला चाहिए कि आप इस पथ पर चल पड़ो, ये तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। जब इस प्रकार से महाराज पूछा तो वेदव्यास जी महाराज ने महाराज चिंतन करके उस परब्रह्म परमात्मा का और इन्होंने बताना प्रारंभ किया है, बताना प्रारंभ किया कि आदि शक्ति यदि कोई है, आदि मायाम महाशक्तिम प्रकृतिम पुरुषानुगाम, आदि शक्ति परब्रह्म परमात्मा का महाराज उनको भी शक्तिमान बनाने वाली यदि कोई शक्ति है तो पराम्बा जगदम्बा भगवती ही है। और जब तक उनकी आराधना नहीं करोगे, देखो भाई ध्यान रखना, कोई अपना इष्ट छोड़ करके अनिष्ट की आराधना में मत लग जाना,
जब कहीं महिमा किसी नाम रूप में वर्णित की जाए तो ये समझ लेना कि हमारे इष्ट की ही महिमा वर्णित की जा रही है। बस हमारे इष्ट का नाम यहां पर देवी रख दिया गया है। कहीं हमारे इष्ट का नाम कृष्ण रख दिया जाता है, कहीं हमारे इष्ट का नाम मोहन मुकुंद रख दिया जाए, तो नाम अलग अलग होने के बाद भी इष्ट बदलने की जरूरत नहीं है कि अब ये हो गया तो अब दूसरा इष्ट कर लिया जाए। इसलिए महाराज बहुत सजगता की जरूरत है, नहीं तो ऐसे ऐसे उपाख्यान हैं और ऐसी ऐसी महिमा है कि व्यक्ति को ये लगने लगेगा कि निश्चित रूप से अब हम अपने इष्ट की आराधना छोड़ करके इसी इष्ट की आराधना करें। आप फिर दूसरा पुराण सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि निश्चित रूप से ये आराधना करें। इन्होंने एक बात बहुत बढ़िया कही हमारे श्री ब्रह्मा जी महाराज की आराधना के क्रम में, कहा का भैया एक बात ध्यान रखना, रागी कोपि न जानाती, ये जितने रागी लोग हैं वो संसारे अस्मिन महामते, अस्मिन संसारे इस संसार में जिन्होंने अपनी मति लगा रखी है और संसार से जिन्होंने राग कर रखा है, पत्नी से, धन से, मकान से, मान प्रतिष्ठा से, वो कभी नहीं कोपि न जानाती, वह कोई भी उस परम तत्व को नहीं जान पाएगा। अगर परम तत्व को जाना जानना है तो विरक्तस्य विजानाति, विरक्त ही जान पाएगा। अच्छा विचार करने लायक इसमें बात है, जो लोग महाराज बड़े चालाक होते हैं, ठगने वाले, वो कहते हैं कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप जहां हो जैसे हो, जो खाते हो खाओ, जो रहते हो रहो, जैसे जीते हो जियो, केवल हमारा प्रवचन सुन लो तो मुक्त हो जाओगे। ये सब संप्रदायवादी लोग हैं और निश्चित रूप से महाराज ये पुराण वेदों का ही अनुवाद करता है। उस परमात्मा को जानने के लिए विरक्तस्य विजानाति, वैराग्य की परम आवश्यकता है। जिसने वैराग्य नहीं किया वो परम तत्व को कभी जान पाएगा ही नहीं। अगर सब मौज मस्ती संसार के विषय सुख भोगते भोगते अगर वह परम तत्व मिलता होता तो ये बड़े बड़े राजा महाराजा सब घर छोड़कर वन काहे को जाते? मनु जी महाराज क्यों घर छोड़कर के गए वन में? वहां जाकर क्यों आराधना की? अपने महल में रहते और वहीं सब कुछ उनको मिल जाता। अच्छा विचार करने लायक है, हमारे श्री ऋषभ देव जितने राजा हैं, भागवत में आप सुनेंगे कि सब राजा लगभग एक समय घर द्वार छोड़कर उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए निकलते हैं। अरे कहां तक कहें, ऋषभ देव जैसे महापुरुष जो स्वयं भगवदा अवतार थे, और इतना ही नहीं आप पृथु चरित्र पढ़िए, जो स्वयं सत्संग करते सनकादि जिनके घर में सत्संग करने आ जाते थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के साथ जिनका सत्संग हो जाता था, वो भी जीवन के उत्तरार्ध में छोड़ करके घर से निकले हैं, क्योंकि पता है कि इस घर की जंजीरों में उस परम तत्व को नहीं पाया जा सकता है। विरक्तस्य विजानाति निरीहो यो विमत्सरः, और जो मत्सर रहित है, मात्सर्य दोष जिनके जीवन में नहीं है, एकारण वे पुरा जाते नष्टे स्थावर जंगमे भूत्र मात्रे समुत्पन्ने संज्ञाते कमलादहम। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने यह सृष्टि की भूमिका बताना प्रारंभ किया है और बताना कहा कि देखो एक बात और भी चिंतन करने लायक है, जैसे परब्रह्म परमात्मा अनादि है वैसे ये सृष्टि भी अनादि है। आप ये मत समझ लेना कि परब्रह्म परमात्मा केवल अनादि है, सृष्टि अनादि नहीं है। ये कब सृष्टि हुई थी इसकी कोई तिथि नहीं है। चाहे कोई भी संवत्सर आदि वाले जितने भी जो स्वीकार करते हैं, सब कहीं ना कहीं से कल्पना ही है, कहीं ना कहीं आदि मान करके, क्योंकि अनंत कल्प हो चुके हैं, एक कल्प नहीं अनंत कल्प। और जब सृष्टि का वर्णन किया जाता है तो यथा पूर्व मकल्पयत, वो कहते जैसे पहले सृष्टि थी वैसे दोबारा सृष्टि बना दी,
इन्होंने भी यही कहा है कि एकार्णवे पुरा जाते नष्टे स्थावर जंगमे, पुरा जो सृष्टि थी, पहले सृष्टि जो थी वह सारी की सारी सृष्टि समुद्र में लीन हो चुकी थी और सब उसी में लीन हो गए थे। चारों तरफ महाराज कहीं भी जल के अतिरिक्त तो कुछ नहीं देख रहा था। सुभूत मात्रे समुत्पन्ने संगदे कमलादहम, उन्होंने कहा उस एक कमल का पुष्प उसपे उत्पन्न हुआ। नापश्यम तरणिम सोमम, मैंने उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं देखा और उस कमल में ही मेरा प्रादुर्भाव हुआ। मैं कर्णिका उस कमल की नाल को पकड़ करके अपने कारण को खोजता रहा कि मेरा कारण कौन है, मेरा पिता कौन है, किंतु एंड कारण पता नहीं चल पाया। एक दिन दो दिन नहीं, वर्ष सहस्र कम, 1000 वर्ष तक उस कमल नाल में खोजता रहा कि मेरा कारण कौन है, कुछ पता नहीं चला। और बाद में आकाशवाणी सुनाई पड़ी, तप करो तप करो तप करो, तो संयोग से मैं तप करने बैठ गया तो वर्ष सहस्र कम, 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। और तप करने के बाद महाराज मुझे चिंता महद्भुता जाता, किम करोत्मीति नारद, मुझे चिंता होने लगी। सामने मैंने महाराज एक दिव्य स्वरूप देखा जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे, जिनकी आंखें लाल लाल थी, जिन्हें महाविष्णु के रूप में जाना जाता था। वो योग निद्रा में शयन कर रहे थे। उनको जब मैंने योग निद्रा में शयन करते हुए देखा तो मैंने सोचा कि इनसे यदि कोई वार्ता करनी है, इनसे कोई बात करनी है, तो पहले इनको जगाना पड़ेगा। जब तक ये जागते नहीं है तब तक इनसे कोई बातचीत हो नहीं सकती है। तो किसके आधार पर इनको किसने सुना रखा है, तो बोले योग निद्रा ने। तो महाराज उनकी योग निद्रा की स्तुति की, और स्तुति करने के बाद जब महाराज उनकी निद्रा खुली तो उनके कान से उत्पन्न होने वाले दो असुर थे वो सताने के लिए आ गए, तो वो महाराज उनकी नष्ट करने में लग गए। बाद में जब उनका उद्धार हुआ तब उन्होंने हमको कहा कि तुम सृष्टि बनाओ, और भगवती की आराधना बता दी। इन्होंने कहा कि उस भगवती की आराधना में मैं संलग्न हो गया, और संलग्न होने के बाद और उनकी आज्ञा मान करके मैं कर रहा था। बाद में हमको महाराज दिव्य दर्शन की कृपा से हुए, जो हमने ब्रह्मलोक देखा और एक विमान पर बैठ करके भगवती को खोजने के लिए हम तीनों निकले कि सृष्टि का आदि कौन है, सृष्टि किसने बनाई है, बड़े विस्तार से महाराज वर्णन है। तो कहा सबसे पहले जब हम विमान पर निकले तो विमान चलता चलता गया तो ब्रह्मलोक के दर्शन किए। तदा दिव्यम सर्वदेवम नमस्कृतम, वहां देखा कि ब्रह्मा जी महाराज बैठे हुए हैं ब्रह्मलोक में, और सभी देवता हाथ जोड़ करके बैठे। एक ब्रह्मा जी विमान में है और एक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है, और उन ब्रह्मलोक की आराधना हो रही है। फिर वहां से विमान चला तुम्हारा सागर सरिता पार करता करता कैलाश में पहुंचा। अब कैलाश की दशा ये देखी कि वहां तुम्हारा यक्ष राक्षस सब इकट्ठे हैं और भगवान शंकर विराजमान हैं पंचमुख वाले, चारों तरफ महाराज इनकी जय जय धुनी गाई। यहां भी ब्रह्मा हाथ जोड़े खड़े हैं, ब्रह्मा के यहां शंकर हाथ जोड़े खड़े हैं, और शंकर के यहां ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। मुझे लगा कमाले है मामला, क्या मैं ब्रह्मा की वो ब्रह्मा, कौन ब्रह्मा है। और हमारी बुद्धि कुंठित होने लगी। फिर विमान वहां से चला तो बैकुंठम सदनम प्राप्तम, वहां से ऊपर गए तो एक बैकुंठ नाम का स्थान मिला जो रमा रमण मंदिरम, श्री लक्ष्मी जी के रमण करने का मंदिर था। वहां देख करके वहां का वैभव देखा, वहां के बारे मंद सुगंध सुरभि पवन बह रही है, कई श्लोकों में महाराज वर्णन किया गया है। किंतु विमान वहां भी नहीं रुका, वहां भगवान विष्णु के दर्शन करके देखा तो वहां से विमान और चलता चला गया। जब चलता चला गया तो एक ऐसे देश में हम लोग गए, ऐसे देश में गए, द्वारस्थाम वीक्षतां सर्वां देवीं भगवतीं तदा, जहां मैं उस राज्य में प्रविष्ट हुआ
तो दरवाजे पर कई देवियां खड़ी थी सुंदर सुंदर, और जब उनसे कहा कि मैं यहां दर्शन करने स्मित्वाम कित्वा, उन्होंने मुस्कान करके हमको देखा, तो उनके देखने मात्र से ये कहते हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्त्री बन गए। अब तीनों स्त्री बन गए, स्त्री बनकर वयम युवतयो जाता है, और सुंदर युवती स्त्री बन गए तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश। और वहां से दासी हमको महाराज लेकर के गई, जब दासी लेकर के गई तो एक दिव्य स्वरूप में अष्टभुजा वाली मां दुर्गा बैठी थी, महाभगवती बैठी थी। देखते ही ब्रह्मा जी महाराज ने प्रणाम करके उनकी स्तुति की, भगवान ने भी महाराज विष्णु ने भी उनकी स्तुति की, नमो देव्यै प्रकृत्यै च विधात्री सततम नमः, कल्याणै महाकामदै च वृद्धै सिद्धै नमो नमः। ब्रह्मा जी महाराज की स्तुति बहुत विलक्षण है, बहुत सारे श्लोकों में है, और कहा कि तुम ही विद्या हो, तुम ही बुद्धि हो, तुम ही शक्ति हो, और शक्ति देने वाली तुम ही हो, तुम ही कीर्ति हो, साक्षात मुक्ति प्रदा तुम ही हो, तुम ही मनुष्य लोक को सृजन करने वाली हो, सबको बनाने वाली तुम ही हो, केवल तुमने हमको निमित्त बना रखा है। नमो देवी महाविद्ये नमामि चरणौ तव तदा ज्ञान प्रकाशम मे देई सर्वार्थ दे शिवे। हे भगवती, आप ही सभी विद्याओं की विद्या हो, आप हमें भी ऐसी विद्या का प्रकाश करें जिससे मैं आपको पहचान सकूं, आपको जान सकूं, इस जगत को जान सकूं और अपने को जान सकूं। अभी तो मैं अपने को ही नहीं पहचानता, अपने को जान सकूं। भगवान विष्णु की स्तुति की बात श्री शिव जी महाराज ने भी बड़ी लंबी स्तुति की, और जब स्तुति भगवान शिव की सुनकर के, तीनों की स्तुति सुनकर भगवती बड़ी प्रसन्न हुई। सदैकत्वम च भेदोसि सदैवम ममास्यवः, इन्होंने कहा कि तुम लोग क्या जानना चाहते हो, मेरे बारे में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं। का यो असौ सा अहम, जो हुआ है वही मैं हूं और जो मैं हूं वो हुआ है। अब आप क्या इसको पहचान पाओगे। यो असौ भेदस्ति, अगर उसमें और मेरे में कोई भेद मानता है तो निश्चित रूप से उसकी मति ब्रह्म है। ध्यान रखिएगा, जो परब्रह्म है वही मैं हूं और जो मैं है सो परब्रह्म हूं, मेरे उसमें में कोई भेद नहीं है। अगर उसमें और अपने में हम भेद मानते हैं तो निश्चित रूप से हमारी बुद्धि का भ्रम है, इसमें और कोई नहीं है। और उन्होंने एक बात कहा कि इस तत्व को निश्चित रूप से विमुक्ता सतु संसारान मुच्यते नात्र संशया, जो वैराग्यशाली है, विषयों से जिसका मन उपराम हो गया है, वही संसार से पार जा सकेगा, नहीं तो इसी में फंसा रहेगा। द्वैत भावम पुनर्याति काल, महाराज ये द्वैत भाव जितना भी है, उस अद्वैत में जो द्वैत दिख रहा है ये केवल अज्ञानता के कारण है। न अहम स्त्री न पुमांस चाहम, न मैं स्त्री हूं न मैं पुरुष हूं और न ही मैं नपुंसक हूं। ये सर्ग जो करने वाले हैं ये मेरे ही संकल्प का खेल है। अहम बुद्धि रहम शिश्च धृति कीर्ति स्मृति तथा श्रद्धा मेधा दया लज्जा क्षुधा तृष्णा क्षमा कांति शांति पिपासा च निद्रा तंत्रा तंद्रा जरा मरा विद्या अविद्या स्पृहा वांछा शक्तिश्चा शक्तिरेव च। ये जितने नाम लिए सब मेरे ही रूप हैं, मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ स्थान है नहीं, न कोई रिक्त स्थान है और मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ है भी नहीं। ये जितने भी आप लोग नाम रूप देख रहे हैं ये सब नाम रूप केवल काल्पनिक हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो हमारे स्वरूप को ये समझो, मानो भगवती ने बहुत संक्षेप में तीनों देवताओं को स्वरूप का बोध ही कराया, और स्वरूप का बोध करा करके कहा कि अच्छा अब तुम लोग यहां तक आ गए हो तो कुछ ले करके जाओ। और अपने शरीर से महाराज एक शक्ति प्रकट की जिसका नाम था महासरस्वती, वो पराम्बा जगदम्बा भगवती की एक शक्ति है जिनका नाम है महासरस्वती, जिनका आज जन्मदिन है, हम लोग आज पूजन किए हैं।
तो महासरस्वती नामा रजोगुण युताम बराम, इन्होंने कहा गुणामेधाम वधे शक्ति स्वरूपाम चारुहासनी महासरस्वतीम नाम नाम रजोगुण युताम बराम, इनको हमारा श्वेतांबर धरा दिव्यम दिव्य भूषण भूषितम। एक और इनके वस्त्र कैसे, बोले श्वेतांबर पहने हुए हैं, सभी दिव्य आभूषणों से भूषित हैं, बरानना है। और कहा कि ले जाओ इनको क्रीडार्थम सहचरणीम, संसार में क्रीड़ा करने के लिए इनको तुम अपनी सहचरणी बना लो। उसके बाद एक शक्ति और प्रकट की जो इनके श्री विग्रह से प्रकट हुई और कहा कि ये दे दिया भगवान विष्णु को जो महा महाराज लक्ष्मी है, और कहा कि ये तुम ले जाओ, तुम्हारे साथ में ये विराजमान होंगी, तुम्हारे से इनकी शोभा बढ़ेगी, इनसे तुम्हारी शोभा बढ़ेगी, और इनके सहयोग से तुम जगत का पालन करो। उनको कहा ब्रह्मा जी को कि तुम जगत का महाराज बनाओ, और विष्णु जी को कहा कि तुम जगत का पालन करो, इनको लेकर के जगत का भरण पोषण करो इनको लेकर के। और उसके बाद एक शक्ति और प्रकट की अपने शरीर से जिसका नाम महाकाली है, उस महाकाली को महाराज देकर भगवान शंकर को, और कहा इनको ले जाओ, इनके साथ रमण करो, विहार करो, और ये संहार में तुम्हारी सहयोगिनी बनेगी। इसलिए जहां भी जाएंगे अधिकतर भगवती के मंदिर में तीनों रूप रहते हैं, महासरस्वती महालक्ष्मी और महाकाली, वैष्णो देवी में तीन स्थान है वो तीनों के, और जहां जहां मेन रूप में है वहां तीनों की आराधना होती है, क्योंकि तीनों के रूप में कोई दूसरा नहीं है, साक्षात भगवती ही ये तीन रूपों में आई है, और उन्हीं से के द्वारा ये स्थूल सूक्ष्म और हमारा जगत बना है। इसके बाद इन्होंने बड़ी सुंदर बात, बड़े जो हमारे यहां वेदांत में जिसको पंचीकरण के माध्यम से सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का कैसे मिलन है, और कौन सी श्रद्धा सत्वगुणी है, कौन सी श्रद्धा रजोगुणी है, कौन सी श्रद्धा तमोगुणी है, त्रयाणाम सक्तस चरितस त्रस्यास ब्रिमी तवा नघ, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति अर्थ शक्तिस तथा परा, ये तीन प्रकार की शक्तियां हैं, एक ज्ञान शक्ति है और दूसरी क्रिया शक्ति है और तीसरी अर्थ शक्ति। अर्थ शक्ति को ही द्रव्य शक्ति कहते हैं। इसका इन्होंने वर्णन किया है कि सात्विक ज्ञान शक्ति राजसश्च क्रिया शक्ति द्रव्य शक्तिश्च तामसश्च। पहली जो ज्ञान शक्ति है वो सात्विकी है, और दूसरी जो क्रिया शक्ति है वो राजसी है, और जो हमारा द्रव्य शक्ति है वो तामसी है। ये तीन प्रकार की तेसाम कार्याणि वक्षाणि श्रृणुनारद तत्वतः, ब्रह्मा जी महाराज ने बताया अपने पिता का, यही जगत के कारण है। तामसस्य द्रव्य शक्तेश्च शब्द स्पर्श समुद्भवः, महाराज किससे किसका प्रादुर्भाव इसका यहां वर्णन किया गया है, रूप रस गंध ये तन्मात्राणि प्रचक्षते शब्दैक गुणमाकाशम वायु स्पर्श गुणास्तथा, ये जितने हैं ये द्रव्य शक्ति में हैं, इनसे लेकर के कैसे महाराज ये 15 प्रकार के करके कहा कैसे सृष्टि का सृजन हुआ है सबको मिला करके, वैसे तुम इस सृष्टि का सृजन करो, और कैसे कैसे इन त्रिगुणों का, क्योंकि महाराज ये संसार त्रिगुणात्मक ही है, ये त्रिगुण से ही बना है, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण। इसलिए संसार की जब तक सत्ता है तो तीनों गुण रहेंगे, हम लोग या कोई भी चाहे कितना भी ये जय जयकार करें कि हम लोग धर्म का विकास हो तो ये तो कह सकते हैं, धर्म का नाश धर्म की वृद्धि हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, जब तक सृष्टि है तब तक अधर्म भी रहेगा, और जब तक सृष्टि है तब तक धर्म भी रहेगा, ये दोनों रहेंगे, क्योंकि सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ये संसार बना है, तो संसार में सतोगुणी भी लोग रहेंगे, रजोगुणी भी लोग रहेंगे और तमोगुणी भी लोग रहेंगे। अच्छा, कभी रजोगुण बढ़ जाता है जीवन में, कभी सतोगुण बढ़ जाता है जीवन में, कभी तमोगुण बढ़ जाता है जीवन में, ऐसे ही संसार में कभी रजोगुण बढ़ जाएगा और कहीं कभी तमोगुण बढ़ जाएगा, कभी सतोगुण बढ़ेगा। जब सतोगुण बढ़ेगा तो संसार में सतोगुणियों की महाराज बड़ी पहचान होगी, बड़ा उनका सम्मान होगा और उनकी वृद्धि होगी,
और तमोगुण यदि बढ़ेगा तो तमोगुणी वृद्धियों की महाराज वृद्धि होगी। तो हर तीनों गुण है यहां पर और समय समय पर तीनों का महाराज विकास ह्रास होता रहता है, इस प्रकार से महाराज इन्होंने समझाया है। और बाद में यहां वर्णन किया कि भगवती ने इनको आज्ञा दी कि तुम तीनों हमारे बीज मंत्र की आराधना करते हुए, बीज मंत्रों का चिंतन करते हुए तुम राज काज संभालो। जब महाराज बीज मंत्र की बात कही तो जनमेजय ने कहा कि महाराज आप कृपा करके हमको ये बीज मंत्र क्या हैं और इनकी आराधना पूजनम परया भक्त्या तस्या एवं विधानता, ये बीज मंत्र की आराधना कैसे हो, महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती की आराधना कैसे हो, आप कृपा करके हमको बताओ। तो हमारे श्री वेदव्यास जी महाराज ने जन्मेजय को ये पावन पवित्र चरित्र सुनाया है जो सचमुच में बड़ा रसीला, भी यहां से दृष्टांत चालू हो जाएंगे। अभी तक तो केवल दर्शन की चर्चा हो रही थी और जब दर्शन की चर्चा होती तो थोड़ा नींद आने लगती है और दृष्टांत की चर्चा होती तो थोड़ा नींद खुल जाती है। तो अब दृष्टांतों के माध्यम से बीज मंत्र की चर्चा भी आपको सुनने को मिलेगी, उसकी चर्चा भी हम 5 मिनट के बाद करेंगे। आप सब एक भजन का आनंद ले लीजिए, उसके बाद ये चर्चा सुनने को मिलेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे जे रटे और बसत हजारन कोस, तिनके पातक जो कटे जो सूरज सो ओस। राधा नाम की, राधा नाम की लगी है फूलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगी है फूलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, श्याम बोलता, श्याम बोलता, श्याम बोलता, श्याम बोलता। राधा नाम की लगी है फूलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगी है फूलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगी है फूलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगी है फूलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, श्री राधा नाम का खिल गया उपवन। महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन, महके उठा सारा वृंदावन, महके उठा सारा वृंदावन, महके उठा सारा वृंदावन। गूंजे गली गली में सुरबारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, गूंजे गली गली में सुर लगी है फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगी है फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, श्याम बोलता घन श्याम बोलता, श्याम बोलता घन श्याम बोलता, हाजी श्याम बोलता घन श्याम बोलता, श्याम बोलता घन श्याम बोलता। राधा नाम की लगी है फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगी है फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। प्रेम
के जल में सींचिए बगिया, प्रेम के जल में सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया, महके ग्वाले महके सखिया, 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 सब सखिया ये सब रस कर को लगे प्यारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, सब रस कर को लगे प्यारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, हे राधा नाम की लगी है फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगी है फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम श्याम बोलता घन, श्याम बोलता श्याम बोलता घन, श्याम बोलता, राधा नाम की लगी है फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगी है फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, श्री वृंदावन में छाई हरियाली, श्री वृंदावन में छाई हरियाली, श्री वृंदावन में छाई हरियाली, वृंदावन में छाई हरियाली, श्री राधा संग में बनवारी, श्री राधा संग रह बनवारी, श्री राधा संग में बनवारी, श्री राधा संग में हे बनवारी, श्री राधा संग में हे बनवारी, श्री राधा संग में हे बनवारी, अपने भक्तों से अपने भक्तों से उनकी है यारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, अपने भक्तों से है उनकी यारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगी है फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगी है फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, 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 राधा नाम की लगी है फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगी है फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, चित्र विचित्र छाई हरियाली, चित्र विचित्र छाई हरियाली, चित्र विचित्र छाई हरियाली, चित्र विचित्र छाई हरियाली, कीरत राधा संग बनवाली, कीरत राधा संग बनवाली, कीरत राधा संग बनवाली, कीरत राधा कीरत राधा सग बनवाली, कीरत राधा सग बनवाली, ऐसी पागल की बगिया है नारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ऐसी पागल की बगिया है नारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगी है फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगी है फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता,
श्याम बोलता घन श्याम बोलता श्याम बोलता घन श्याम बोलता अजी श्याम बोलता घन श्याम बोलता श्याम बोलता घन श्याम बोलता राधा नाम की लगी है फुलवारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधा नाम की लगी है फुलवारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। आप से सभी लोग मिलकर बोलेंगे हमारो धन है राधा श्री राधा श्री राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा प्रभु जी कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग यहाँ कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग यहाँ केशव की केल कुंज कोट कोट काशी है केशव की केल कुंज कोट कोट काशी है जमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर तर तर पे परे यहाँ अयोध्या निवासी है तर तर पे परे यहाँ अयोध्या निवासी है गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहाँ गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत यहाँ बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी है बद्री केदारनाथ स्वर्ग अप वर्ग सुख लेके करेंगे कहा जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी है जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 अलबेली राधे राधा 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 अलबेली राधे राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा प्रभु जी गोपी गो कौनिया जग माहि धन ये कहावते कौन तप कर तो ब्रज माहि बस बे को यहाँ कौन बैकुंठे भूके सुख बिसरावते आजी नागरिया जो पे श्री राधे प्रकट न होती श्याम कब ताने के विपति कहावते छा जाती जड़ता बिला जाते कवि सब जर जातो रस तो रस के कहा गावते जर जातो रस तो रस के कहा गावते धन राधा श्री राधा श्री राम हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारो आज प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे। आज कोई न आवे गो, काम तेरे कोई न आवे गो। भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। देख सब स्वार्थ को संसार, देख सब स्वार्थ को संसार। पिता माता भ्राता सुत नार, पिता माता भ्राता सुत सार। भजन कर हरि को बारंबार, भजन कर हरि को बारंबार। जादिन पंछी उड़े संग तेरे कोई ना जावे गो। जादिन पंछी उड़े संग तेरे कोई ना जावे गो। आज प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई ना आवे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई ना आवे गो। बन्यो यही कुदरत रूपी ख्याल, बन्यो ये कुदरत रूपी ख्याल। लपेटो ऊपर माया जाल, लपेटो कुदरत माया जाल। भजन कर तज दे सब जंजाल, भजन कर तज दे सब जंजाल। भव सागर में परो परो नहीं गोता खावे गो। भव सागर में परो परो नहीं गोता खावे गो। आज प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। करम कछु पहले कर आयो, करम कछु पहले कर आयो। देह जाते मानुष को पायो, देह जाते मानुष को पायो। गीत गोविंद नहीं गायो, गीत गोविंद नहीं गायो। हाँ कर मन सोच विचार, हाथ मल मल पछतावे गो। हाँ कर मन सोच विचार, हाथ मल मल पछतावे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। देख तू
काम क्रोध को मार देखे तू, काम क्रोध को मार, दया अब ले हृदय में धार, दया अब ले हृदय में धार, मिलेंगे निश्चय कृष्ण मुरार, मिलेंगे भजले राधे जा, काम तेरे कोई न आवे गो, प्राणी भजले राधे जा, काम तेरे कोई न आवे गो, काम तेरे कोई न आवे गो, काम तेरे कोई न आवे गो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। नारायण नारायण। हमको जैसे भरी आवाज ही वो नहीं मिल रही, बिल्कुल एकदम पतली सी आवाज पीछे से मिलती है, इस बार तुम सेट नहीं कर पाए हो। नारायण नारायण नारायण। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राजाधिराज श्री जनमेजय जी महाराज भगवती का पावन पवित्र यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में जो समय शेष बचता है उस समय का सदुपयोग करने के लिए कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी महाराज के श्री चरणों में बैठ करके श्रीमद् देवी भागवत की पावन पवित्र गाथा श्रवण कर रहे हैं। जन्मेजय जी महाराज ने प्रश्न किया है कि हरिणा तो कथम यज्ञ कृतः पूर्वम पितामह। मैंने सुना है कि पितामह श्री ब्रह्मा जी महाराज भी भगवती का यज्ञ करते हैं, श्री हरि के द्वारा भी भगवती का यज्ञ किया गया। जगत कारण रूपेण विष्णुना प्रभु विष्णुआ, जो विष्णु जगत के कारण हैं, जगत के हेतु हैं, जो संपूर्ण जगत के अभिन्न निमित्तोपादान हैं, बड़े बड़े वेद जिनके बारे में सदा सर्वदा यश गाते रहते हैं, मेरे समझ में नहीं आया कि उस भगवान विष्णु ने यज्ञ क्यों किया, कैसे किया, कब किया, कहां किया। वेदव्यास जी महाराज इस प्रश्न को सुनकर बड़े रसीले ढंग से नारायण उत्तर देते हैं। तच्च शृणु महाभाग विस्तरतम परमाद्भुतम, यथा भगवत यज्ञ कृतश्च विधिपूर्वक। भगवान विष्णु ने जो विधिपूर्वक यज्ञ किया है उसके बारे में मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। ब्रह्मा जी महाराज को जब आधे श्लोक में ब्रह्म विद्या का गान ज्ञान भगवती ने दिया था और उनको कहा कि तुम सृष्टि की संरचना करो, तो ब्रह्मा जी महाराज जब सृष्टि की संरचना करने लगे तो पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को प्रकट किया, बाद में रुद्र को प्रकट किया, और जब उनसे भी सृष्टि का सृजन नहीं सही ढंग से हुआ तो मनु जी महाराज ब्रह्मा जी महाराज के शरीर दो हो गए, मनु शत्रुपा के रूप में।
जब मनु शत्रुपा ने कहा कि महाराज अब तो आधार शक्ति चाहिए, क्यों उसी में सृष्टि की संरचना की जा सकती है, तो भगवान विष्णु बाराह बन करके और समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को लेकर के आए और पृथ्वी स्थापित की। उस पृथ्वी पर ही मनु और शत्रुपा ने सृष्टि का सृजन किया। इसमें नारायण चार प्रकार की सृष्टि बनी है, स्वेदज, उद्भिज, अंडज और जरायुज। इन चार प्रकार के ही खानों में 84 लाख प्रकार की सृष्टि का सृजन किया गया। संसार में जो सृष्टि का क्रम है वो बड़ा विलक्षण है और 84 लाख प्रकार की सृष्टि है। मनु जी महाराज ने जो मनुष्य की सृष्टि की है, मनु और शत्रुपा के रूप माध्यम से, प्रियव्रतोत्तान पादौ सुतौ तस्या बभूवतु। मनु जी महाराज के दो पुत्र हुए, एक पुत्र का नाम प्रियव्रत है, दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद है। तीसरा कन्या बरारोहा हे भवन्ति सुंदरम। मनु जी महाराज के तीन कन्या हैं जो बहुत सुंदरी हैं, आकुति, देहूति और प्रसूति। महाराज उनकी संतानों से सारा का सारा संसार भरा पड़ा है। भगवान ने ही सृष्टि के सृजन में वैकुंठ का सृजन किया, विष्णु लोक का, क्रीड़ा के लिए निवास स्थान के लिए, शंकर के निवास स्थान के लिए कैलाश का सृजन किया, देवताओं के लिए स्वर्ग का सृजन किया गया है, ब्रह्मा जी लेक के लिए ब्रह्मलोक का सृजन किया गया है। और जब नारायण ने महालक्ष्मी समम तत्र चिक्रीड भुवने सुकई, भगवती ने श्री विष्णु जी महाराज को महालक्ष्मी का दान दिया था, एकस्मिन समये विष्णु वैकुंठे संस्थिता पुरः, एक दिन अपने लक्ष्मी के साथ वैकुंठ में स्थित थे और सुधा सिंधु का नारायण दर्शन हुआ, जिसमें एक बड़ा द्वीप दिव्य है जो मणियों से बना हुआ है, जिसका नाम मणिद्वीप है। उस मणिद्वीप का दर्शन करने के बाद तत्र दृष्ट्वा महामायाम, और उस मणिद्वीप में महामाया भगवती के दर्शन किए जो स्त्री रूप में थी। यज्ञ कर्तुम मनश्चक्रे अंबिकाया रमापति। उसी समय ही भगवान विष्णु के चित्त में आया कि हम भगवती का यज्ञ करेंगे, और यह चिंतन करके महाराज वशिष्ठ को, वरुण को, शक्र को, कुबेर को, पावक आदि को, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष, बृहस्पति, वामदेव, ये बड़े बड़े ऋषियों को उन्होंने निमंत्रण दिया, और निमंत्रण देकर के संकल्पित होकर के दिव्य जो मंडप बनाया गया था ऋतुजों के मध्य में बैठ करके भगवती की आराधना करने लगे, यज्ञ करने लगे। यज्ञ चल रहा था तब तक भगवती की आवाज सुनाई पड़ी, आकाशवाणी सुनाई पड़ी, और आकाशवाणी में कहा कि विष्णु तुम्हारे ऊपर हम बहुत प्रसन्न हैं। विष्णु तुम भव देवानाम हरे श्रेष्ठ तमस सदा। हे विष्णु, तुमने ये जो भगवती की आराधना की है, इस आराधना के फलस्वरूप सभी देवताओं में श्रेष्ठ तम हो जाओ, जितने देवता होंगे उन देवताओं में तुम्हारी सबसे पहले श्रेष्ठता गिनी जाएगी, और सब देवताओं की रक्षा करना भी आपका कर्तव्य होगा। कामद होगे सर्वदेवानाम परम परमेश्वरम। जब देवताओं को कोई कष्ट होगा और उस कष्ट का कोई समाधान नहीं हो रहा होगा तो देवता सब तुम्हारे पास आएंगे,
और निश्चित रूप से तुम्हारी पूजा करेंगे तो तुम उनकी रक्षा करना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भूतले, जब तक पृथ्वी तल में धर्म की ग्लानि होगी तब तब आपको धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेना पड़ेगा। अवताराः सुविख्याताः पृथिव्याम तव भागशः, पृथ्वी पर तल पर आपके बहुत सारे अवतार होंगे। और सच में भगवान विष्णु के इतने अवतार हैं कि उनकी कोई संख्या गिन नहीं सकता है। भागवत में अवतार है संख्याः, अवतारों की कोई संख्या नहीं गिन सकता है। पृथ्वी के कोई रजकण पुरुषार्थी व्यक्ति गिन भी सके किंतु भगवान के अवतारों की संख्या कोई गिन सकने में समर्थ नहीं है। ये 24 अवतार जो गिनाए गए ये तो मुख्य हैं। वैसे तो जितने भगवान के भक्त होते हैं भगवान उनके लिए अलग अलग अवतार लेते हैं। अवतार शब्द का अर्थ यही उतरना ही है, जो निर्गुण है, निराकार है, व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है, वो बालक बन जाए, जो स्वामी है वो सेवक बन जाए, जो जगत का मालिक है वो सखा बन जाए, इसी का नाम अवतार है। तो भगवती ने भगवान विष्णु को कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भूतले, और केवल मनुष्य शरीर में ही नहीं, इन्हों यहां लिखा है अवतारेषु सर्वेषु नाना योनिषु माधव, केवल मनुष्य में नहीं नाना प्रकार की योनियों में। इसलिए भगवान कभी विष्णु भगवान मत्स्य अवतार धारण करके आते हैं, कभी हंस अवतार धारण करते हैं, या अलग अलग योनियों में कभी कमठ बन जाते हैं। अब कमठ अवतार कछुआ का रूप धारण कर ले, कभी मछली बन जाते हैं मत्स्य अवतार। तो भगवती ने कहा अवतारेषु सर्वेषु नाना योनिषु माधव, हे माधव नाना प्रकार की योनियों में तुम्हारे अवतार होंगे। विख्यात सर्वलोकेषु भविता मधुसूदन, हे मधुसूदन तुम सर्वलोक में विख्यात हो जाओ। और एक बात ध्यान रखना, जितने अवतार तुम लोगे तो अवतारेषु सर्वेषु सक्तिस्ते सहचारिणी, तुम्हारे साथ विहार करने वाली, विचरण करने वाली, तुम्हारी क्रिया में सहयोग करने वाली सहचरी बनकर के मैं आऊंगी। जहां जहां कोई ना कोई कार्य करना होगा वहां निश्चित रूप से हम आएंगी, कभी बाराही बनकर आएंगी, कभी नारसिंगी बनकर आएंगी, कभी सीता बनकर आएंगी, कभी राधा बनकर के आएंगी, कभी भवानी बनकर के आएंगी, कि कभी सरस्वती बनकर आएंगी, ऐसे नाना रूप धारण करके हम भी आएंगे। पूजनीयाः प्रयत्नेन माननीयाश्च सर्वदा नूनमता भारते खंडे सक्तस्य सर्वकामदा, भारत के संपूर्ण खंडों में लगभग शक्ति की पूजा होगी और तुम्हारी पूजा होगी। भक्त महाराज भविष्यन्ति मनुष्याणाम पूजितो प्रतिमासु च, आपकी पूजा यदि कोई प्रतिमा में भी करेगा तो प्रतिमा में भी आपकी पूजा फल देने वाली होगी। तासाम तवच देवेश कीर्तिम स्याद अखिलेश्वपि, प्रतिमा में भी परमात्मा की आराधना होगी तो निश्चित रूप से वो भी सफल होगी। इस प्रकार से नारायण भगवती ने भगवान नारायण को, विष्णु को उनके यज्ञ करने के बाद यह उनको महाराज दिया शक्ति दी, कहा कि तुम इस प्रकार से यज्ञ करके निश्चित रूप से सारे संसार के पालन करने में समर्थ बनोगे। यदि पालन की विधा यदि तुमको मिलती है तो निश्चित रूप से भगवती की आराधना से ही मिलती है, भक्ति की आराधना से ही शक्ति मिलती है, जिस शक्ति के माध्यम से पालन करने की शक्ति मिलती है।
अगर भगवती की आराधना न हो तो पालन करने की शक्ति कैसे मिलेगी, कैसे व्यक्ति पालन कर पाएगा। तो इसी प्रकार से यज्ञ करने के बाद इनको कहा कि तुम बीज मंत्रों की आराधना करते रहना। अगर बीज मंत्र की कहीं ना कहीं महाराज किसी न किसी विधा से व्यक्ति के मुख से बीज मंत्र निकल जाएं, अगर बीज मंत्र का उच्चारण हो जाता है जान में अथवा अनजान में भी, तब भी कल्याण ही होता है। जैसे भगवान का नाम अज्ञानात अथवा ज्ञानात, भगवान का नाम आपके मुख से ज्ञान से जानकारी से निकले चाहे बिना जानकारी से निकले, वह कल्याण करने वाला ही होगा। वैसे ये जो महाराज बीज मंत्र हैं, ये बीज मंत्र भी आपकी जानकारी में निकले या अनजानता में भी निकले, तब भी आपका कल्याण करने वाले ही होंगे। इस विषय में नारायण एक दृष्टांत दिया है। कहा कि एक सत्यव्रत नाम का व्यक्ति था, उस सत्यव्रत व्यक्ति के नाम से मुख से उसके ऐसा निकल गया और ऐसा उच्चारण होते ही तुष्टा भगवती तदा, ऐ कहने मात्र से भगवती उससे संतुष्ट हो गई और उस व्यक्ति को चकार कविराजम तम दयार्धम परमेश्वरी, भगवती महाराज प्रसन्न होकर के उसको कविराज बना दिया और दया करके महाराज परमेश्वरी ने उसको सब चीज से भरपूर कर दिया। सचमिनारायण भगवती बड़ी करुणा से भरी है, कृपा से भरी है, अनुग्रह से भरी है। मूर्ख से मूर्ख पर भगवती की कृपा हो जाए तो निश्चित रूप से वह विद्वान हो जाए। हम लोगों ने बचपन में जब मैं पढ़ता था तब एक उपाख्यान सुना था, एक राजकुमारी थी जिस राजकुमारी का नाम था विद्योत्तमा। उसने संकल्प किया कि हम ऐसे पुरुष के साथ विवाह करेंगी जो हमको शास्त्रार्थ में परास्त कर दे। बड़ी विदुषी थी विद्योत्तमा। अब जो भी उसके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आता था विद्योत्तमा उसको हरा देती थी। सब बेचारे विद्वान बड़े दुखी होकर जाते थे, विद्वानों का बहुत अपमान किया उस विद्योत्तमा ने अपनी विद्या के अभिमान के कारण। तो विद्वान बड़े परेशान हुए और कहा इसको मूर्ख पति देंगे, बहुत ज्यादा इसको विद्या का अभिमान है। अब ये विद्वान लोग मूर्ख खोजने लगे कि कोई भयंकर बड़ा से बड़ा मूर्ख मिले जिसके साथ विद्योत्तमा का विवाह करा दे। तो ये विद्वान लोग एक जंगल से निकल रहे थे तब तक एक मूर्ख पर दृष्टि पड़ गई। वो मूर्ख महाराज बकरी चराने वाला था, गड़रिया भेड़ चराने वाला। भेड़ों को चारा काटने के लिए, हरे पत्ते काटने के लिए, कि भेड़ों को बकरियों को पत्ते मिल जाएं, तो जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को काट रहा था। अब कोई मूर्ख ही परम मूर्ख होगा जो डाली पर बैठ करके डाली को काटेगा। विद्वानों ने देख लिया इससे बड़ा तो मूर्ख मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी डाली कटेगी और ये गिरेगा मरेगा। तो विद्वानों ने उसको बुलाया, नीचे उतर कराओ, उतर कराया, कहा ब्याह करोगे। तो जितने मूर्ख होते महाराज ब्याह के लिए बहुत जल्दी राजी रहते हैं। आप देखना मिलना कभी, हमने देखा है कई राजस्थान में अल्प बुद्धि वाले, उनसे ब्याह की चर्चा करो तो मस्ती से घुल जाती है। उसने कहा ब्याह कराओगे, बोले बड़ी सुंदरी कन्या से कराएंगे और रानी राजकुमारी से कराएंगे। अब तो गडरिया और खुश हो गया कि राजकुमारी मिलेगी, सुंदरी मिलेगी। किंतु पंडितों ने कहा कि शर्त इस बात की है कि इसको सामने लेकर जाएंगे तुमको कुछ बोलना नहीं है, मौन रहना। ठीक है, महाराज बढ़िया धोती पहनाई उसको, चौबंदी पहनाई,
चौड़ी किनारे की धोती दुपट्टा और चंदन नंदन लगा करके सजा धजा करके दूल्हा बना कर ले गए। विद्वानों ने कहा विद्वोत्तमा से कि हमारे गुरु जी हैं, संयोग से हैं तो बहुत बड़े विद्वान किंतु इस समय मौन हैं, बोलते नहीं हैं, किंतु जो तुम प्रश्न करोगी उस प्रश्न का ये उत्तर निश्चित रूप से तुमको देंगे। अच्छा हम लोग इनके शिष्य हैं तो ये इशारा करेंगे और जो इशारा करेंगे उसका अर्थ हम बता देंगे कि गुरु जी क्या इशारे में बता रहे हैं। महाराज कई बार बड़ा आश्चर्य होता है, कोई मौनी मिल जाए ना आपको जो मौन हो, वो तो बेचारा गर्दन हिलाने लगता है, हाथ हिलाने लगा, वो तो मौन ही है, तो सामने वाले उसके सामने वो ऐसे ही बोलने लगते हैं। आप देखना कभी वो भी हाथ हिलाएंगे गर्दन हिलाएंगे, अरे बाबा तू तो मौन नहीं, मौन तो वो है, तू क्यों बार बार इतनी बड़ी गर्दन हिला रहा है, उंगली दिखा रहा है, तू तो जीभ से बोल। मैं कई बार मौनियों के साथ देखता हूं तो दूसरे मौनी बन जाते हैं। अब ये तो महाराज गडरिया जी को बैठा दिया, बैठ गए एकदम। उसने विद्वोत्तमा ने सोचा कि ये मौन है तो फिर हम भी सारे पर बात करें। तो महाराज तुरंत उसने एक अंगुली दिखाई, तो इनको लगा कि अमूर को तो झगड़े की बात समझता है, इनको लगा कि सोच रही है कि कह रही कि एक आंख तुम्हारी फोड़ देंगी, तो गुस्सा होकर दो आंख दो अंगुली दिखाई कि अगर बावरी तू एक फोड़ेगी तो मैं तुम्हारी दो फोड़ूंगा। अब वो मौन हुई, तब तक उनके शिष्यों ने कहा कि वाह वाह देखो गुरुजी ने कितनी बढ़िया बात बताई, हमारे गुरुजी का कहना यह है कि तुम कहते हो कि ब्रह्म एक है और हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि ब्रह्म एक भले है किंतु संसार रचना के लिए दो चाहिए, बिना माया के सृष्टि बनती नहीं है। चौप चुप हो गई। पुरुष ने महाराज ऐसे हाथ दिखाया पांच उंगलियां, तो उनको लगा कि कह रही तमाचा मारूंगी, तो हाथ दिखाया तो तुरंत महाराज हाथ मुट्ठी बंद करके दिखाया गुस्सा में कि तू तमाचा मारेगी तो मैं तेरे को घूसा मारूंगा। अब जो महाराज दिखाया घूसा तो तुरंत उनके शिष्यों ने जो विद्वान लोग थे शिष्य बने हुए उन्होंने कहा देखो देखो गुरु जी हमारे क्या कह रहे हैं। उसने कहा क्या कह रहे हैं? बोले आपने कहा कि पंच महाभूत होते हैं, तो हमारे गुरु जी कहते हैं पंच महाभूत होते तो सही हैं किंतु जब तक एक साथ मिलेंगे नहीं तब तक सृष्टि बनेगी नहीं। अब ये विद्वान तो महाराज किसी को भी कुछ भी सिद्ध कर दें, नामे विद्वान उसका है। हमारे महाराज जी बताते हैं कि काशी में लोग जब विद्वान शास्त्रार्थ करने आते थे तो पूछते थे पूर्व पक्ष को जिताना है कि पर पक्ष को, वैदुष्य के आधार पर जिसको चाहो उसको जिता दो। इशारे पर तो महाराज वो हार गई और हार करके उसने ब्याह कर लिया। अब जब ब्याह तो कर लिया किंतु जो दिन भर काम करता है कभी कभी सोते हुए भी करने लगता है, स्वप्न में भी करने लगता है। वो पर्यंक पे सोए हुए थे और जैसे बहनों को बुलाते वो आवाज लगाते बहरिया लोग विशेष प्रकार की, हमको निकालनी आती थी मैं भूल गया हूं अभी, तो जैसे आवाज निकाली तो विद्वोत्तमा समझ गई कि विद्वानों ने हमारे साथ महामूर्ख व्याध किया है, तो गुस्सा होकर उसने एक मारा उनको, तो बिस्तर से नीचे गिरे और बिस्तर से नीचे गिरने के बाद और गुस्से तो नीचे छत के नीचे गिरे, वहां भगवती का मंदिर था तो जीव महाराज बाहर निकाल करके जिसे मोड़ करके उसको बुलाया जाता है वैसे ही कर रहे थे, नींद में ही गिरे तो जीव आ गई दांतों के उसमें और जीव कट गई और कट करके भगवती में चढ़ गई। जब भगवती में चढ़ गई तो भगवती प्रकट हो गई, उसने सोचा पत्र पुष्प तो सब चढ़ाते ये जीव चढ़ा दिया। बोले बरम ब्रूही बरम ब्रूही, वो गमार व्यक्ति क्या जाने बरम ब्रूही, उसको लगा कि भगवती पूछ रही किसने मारा है, मारा किसने तुझे तेरी जीभ कट गई, तो कहा भगवती पूछ रही किसने मारा है, तो बताना चाहते थे विद्वोत्तमा ने मारा है किंतु जीभ कटी थी तो निकली ना पाए विद्वोत्तमा। अब जीभ कटे तो कैसे उच्चारण होगा, उच्चारण जब नहीं हो पाया तो भगवती समझ गई कि यह विद्या मांग रहा है, तो भगवती ने कहा जाओ तुम्हें विद्या देती है, और वही श्री कालिदास जी हुए। कालिदास जी की उपमा आज भी उनकी जैसी कालिदास जैसी उपमा कोई नहीं है, एक
गडरिया व्यक्ति भगवती की कृपा से बिना पढ़े लिखे विद्वान बन गया। तो हमारे श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, एंकारोच्चारण देवी तुष्टा भगवती तदा चकार कविराजम तम दयार्धम परमेश्वरी। वो सत्यव्रत के मुख से महाराज एंग ये निकल गया, एंग भी ना नहीं था, केवल ए निकला, वो भी कारण विशेष से निकल गया, आश्चर्य विशेष से निकल गया। तो भगवती ने उसको महाराज चकार कविराजम तम, भगवती ने उसको कविराज बना दिया। तो हमारे श्री जन्मेजय जी ने पूछ दिया, को असौ सत्यव्रतो नाम ब्राह्मणो दुज सत्तमः। हे गुरुदेव, ये सत्यव्रत नाम का ब्राह्मण कौन था, उसके मुख से कैसे ये ऐ निकल गया, कथम एन श्रुत शब्दा कथम उच्चारित पुनः, उसके मुख से कैसे उच्चरित हो गया, हम सुनना चाहते हैं। कथम तुष्टा भवानी सा सर्वज्ञा सर्वसंस्थिता विस्तरणे, महाराज विस्तार से हमको सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूं मनोहर चरित्र। वेद व्यास जी महाराज बड़े प्रेम से सुनाने लगे, कहा कि सावधान होकर के राजन कथा सुनो, श्रुता मुनि समाजेशु मया पूर्वम कुरुद्वः, मैंने ऋषियों के समाज में ये बात सुनी थी। पुराणों में महाराज एक बड़ी विलक्षण बात है, मैं कई बार देखता हूं, इदम मदीयो भावः, ये मेरा चिंतन है, ये मेरी खोज है, ये पुराण में आपको नहीं मिलेगा। जो भी वक्ता से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वक्ता कहेगा कि अमुक जगह हमने सुना था, कि अथवा हमारे गुरुदेव ने पढ़ाया था। ये नहीं कि हमारा भाव है, हमारा चिंतन, हमारी खोज है, ये नहीं। अब देखिए वेदव्यास जी महाराज सामान्य सा एक दृष्टांत सुना रहे हैं, सहज सी बात है, किंतु वेदव्यास जी महाराज स्वयं कहते हैं कि श्रुता मुनि समाजेषु, मुनियों के समाज में मैंने ये कथा सुनी थी, वो तो मैं सुनाते हैं। एकदाहम कुरुश्रेष्ठम कुरुवस तीर्थार्तनम सुचि, एक बार मैं तीर्थ यात्रा करते करते नैमिषारण की पावन पवित्र भूमि में पहुंचा, और जब मैं नैमिषारण की पावन पवित्र भूमि में पहुंचा तो वहां बड़े बड़े महात्मा विराजमान थे, उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ गया। कथा प्रसंगम, महाराज कथा की प्रसंग की चर्चा चल रही थी, वहां हमारे जमदग्नि महात्मा ये बैठे हुए थे, उन्होंने कहा संध्योस्ति महाभाग मम चेतसि तापसः, समाजेषु मुनीनाम नैसृंगो भवान महम। ये महाराज मुझे एक शंका है। क्या शंका है तुम्हें, जमदग्नि ने पूछा। हमारे यहां शास्त्रों में आराधना के कई क्रम हैं, कोई कहता है ब्रह्मा की आराधना करो, कोई कहता है विष्णु की आराधना करो, कोई कहता है रुद्र की आराधना करो, मघवः वरुणो अनलः, इंद्र की आराधना करो, वरुण की आराधना करो, अग्नि की आराधना करो, कोई सुबेर की महाराज कुबेर की आराधना बताता है, कोई श्री गणेश जी महाराज की आराधना बताता है, कोई सूर्य सुनी कुमारों की भी आराधना बताता है। आराधनीय तमा कोत्र, अत्र को आराधनीय, जितने मैंने आपके सन्मुख नाम लिए इनमें कौन कौन सा आराधनी, किसकी आराधना कैसे करें, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री महाराज श्री के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार वंदन, साष्टांग प्रणिपात। नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि में जहां सत्संग की धारा बह रही है, वहां जमदग्नि ऋषि ने जब ऋषियों के सन्मुख ये प्रश्न रख दिया, तो एवं प्रश्ने कृते तत्र लोमशो वाक्यमब्रवीत। उन ऋषियों के मध्य में एक ऋषि बैठे हुए थे, जिन ऋषि का नाम था लोमश महात्मा, बड़े पुरातन महात्मा है।
जमदग्नि के प्रश्न को सुनकर के उन्होंने कहा सेवनीय तमा शक्ति, या निश्चित है कि जहां भी आराधना होती है वहां शक्ति की ही आराधना होती है, चाहे करुणा की शक्ति हो, चाहे कृपा की शक्ति हो, चाहे दया की शक्ति हो, चाहे रक्षा की शक्ति हो, चाहे वीरता की हो, चाहे बुद्धि की हो। और परा प्रकृतया राध्या च सर्वगा सर्वदा शिवा, सदा सर्वदा यदि आराधन करने योग्य कोई है तो भगवती शिवा है। केवल देवानाम जननी चैव ब्रह्मादि नाम महात्मनाम, ये देवताओं की जननी है, बड़े बड़े महात्माओं की जननी आदि प्रकृति है, और निश्चित रूप से उनकी आराधना से हमारा जीवन का कल्याण होता है। और जिस जिसने उनकी आराधना की तो आराधना के फलस्वरूप निश्चित रूप से उसके जीवन में सफलता मिली है। इस विषय में लोमस महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं, इतिहासम प्रवक्षामि सुनवंतो मुनयः शुभम। इतिहास कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसी घटना निश्चित घटी थी। जब इतिहास शब्द का प्रयोग किया जाता है तो यह बताने के लिए कि ऐसी घटना निश्चित घटी थी, कोई हम कल्पना से नहीं सुना रहे हैं, ऐतिहासिक बात है, इतिहास की बात है ये कि कौशल नरेश थे एक राजा, अवध के राजा महाराज, उनके संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने क्या किया, संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया तमसा तीर पर, और बहुत बड़ा महाराज यज्ञ पंडाल बनाया, और बड़े बड़े ब्राह्मणों को महाराज यज्ञ में उन्होंने नियुक्त किया क्योंकि पुत्रेष्टि यज्ञ था। ब्रह्मा जी महाराज को उन्होंने आहूत किया था, अध्वर्यु आज्ञबल याज्ञबल को बनाया, होतारम च बृहस्पतिम, बृहस्पति उस यज्ञ में होता के रूप में थे, और प्रस्तोतारम तथा पैलत बैल ऋषि महाराज प्रस्तोतारा थे, और उद्गातारम च गोभिलम, गोभिल नाम के ऋषि उसके उद्गाता थे, पाठ करने वाले, वेद का उच्चारण करने वाले, क्योंकि वेद में यज्ञ में सबको अलग अलग काम दिया जाता है, जो वेद पाठ करके उच्चारण करेगा वो नहीं स्वाहा स्वाहा नहीं करेगा, स्वाहा स्वाहा वो मंत्र बोलेंगे, दूसरा उसमें आहुति डालेगा, तो वेद का पाठ करने का काम हमारे गोभिल महात्मा को दिया गया था। अब ये गोभिल महात्मा महाराज थोड़े वृद्ध हो गए थे और दांतों में शायद दांत गिर गए होंगे दो चार, स्वाभाविक है जब वृद्धावस्था आ जाती है तो कोई उच्चारण करने लगो तो सही ढंग से उच्चारण नहीं हो पाता, दांत न हो तो महाराज जितने दांत से उच्चारण होने वाले शब्द हैं वो तो हो ही नहीं पाएंगे। तो वेद पाठ करते थे किंतु करने में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा स्वर भेद हो जाता था। अब संयोग से यज्ञ कराने वाला भी ब्राह्मण था, वो भी विद्वान था, तो उसको क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर के महाराज गोभिल को उन्होंने कटु वचन कह दिया और कहा कि जब तुमसे पाठ होता नहीं तो पाठ करते क्यों, ये केवल लोभ के कारण। महाराज जो उन्होंने उनका अपमान किया तो गोभिल को क्रोध आ गया, गोभिल ने कुपित होकर के कहा मूर्खस्ते भविता पुत्र, तुम चाहते तो हो पुत्रेष्टि यज्ञ से पुत्र हो किंतु पुत्र होगा किंतु मूर्ख होगा। अब जब ये सुन लिया ब्राह्मण ने तो बहुत दुखित होने लगे, लंबी लंबी सांसें लेने लगे, क्योंकि ब्राह्मण का पुत्र यदि मूर्ख हो तो कौन सम्मान करेगा, मूर्ख पुत्राद अपुत्रत्वम वरम वेद विदो विदुः, वेद के जानकार विद्वानों का यह मानना है कि पुत्र हो तो समझदार हो, मूर्ख तो हो ही नहीं, अगर मूर्ख पुत्र होना हो तो इससे अच्छा है कि ना हो। तथापि ब्राह्मणो मूर्ख सर्वेशां निंदेव ही,
ब्राह्मण कुल में बालक उत्पन्न हुआ हो और मूर्ख हो तो समाज में सब जगह उसकी निंदा होगी। ये तो बड़े दुखित तो होने लगी और दुखित तो होकर के ब्राह्मण ने चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके कहा कि महाराज माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। असताम उपकाराय दुर्जना नाम च विभूतयः। वैसे तो नारायण दुष्टों का स्वभाव होता है कि संतों का अपमान करना, किंतु संतों का भी स्वभाव होता है दुष्टों को क्षमा कर देना। इन्होंने कहा कि महाराज मेरे से अपराध हुआ है, आप वेदवादी ब्राह्मण हैं, आप क्षमा कर दीजिए मुझे। और नारायण सज्जनों का क्रोध होता तो थोड़ी देर के लिए, हमारे एक संत ने मुझे बताया यहां तो एक का ही प्रयोग है। उन्होंने कहा कि जो संत पुरुष होते हैं उनका क्रोध होता है पानी में रखील, जैसे पानी में आप कोई खींचो रेखा तो जहां खींचते जाओगे पीछे से मिटती जाएगी, ये साधु पुरुषों का क्रोध है। थोड़ी देर गुस्सा करने के बाद जाओ तो शायद उनको ध्यान भी नहीं होगा कि हमने डांटा भी है। और हमने तुम्हारा जैसे कई संत देखे, इतने बरस पड़े कि लगा कि आज के बाद ये बोलेंगे ही नहीं, और दूसरे दिन भोजन लेके पीछे पीछे दौड़ रहे, पैर दबाने लगे। तो साधु पुरुषों का क्रोध बिल्कुल पानी की रकील, और सामान्य पुरुष जो हैं संसारी, जो राग द्वेष से भी ग्रसित नहीं है, उनका क्रोध तो रेत में रकील। क्रोध आया तो किसी रेत में आप रेखा खींच दो तो जब तक हवा न चले तब तक वह दिखेगी, हवा चलने के बाद सब मिट गई। किंतु जो दुर्जन लोग होते हैं उनका क्रोध पत्थर में रकील होता है। वो अगर क्रोध कर लें तो जब तक कुछ नष्ट न कर दें किसी का तब तक उनका क्रोध शांत न हो, उनको शांति ही न मिले। तो इन्होंने कहा कि महाराज आप तो कृपालु हैं, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे से गलती हो गई। तो महात्मा ने गोविल ने कहा कि कोई बात नहीं, उनका क्रोध शांत हो गया और कहा कि कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। कुछ दिन तो मूर्ख रहेगा। क्षण कोपा महांतो वही पापिष्ठा कल्प कोपना। सज्जन पुरुषों का जो महाराज महंत पुरुषों का जो क्रोध होता है वो क्षण कोपा, थोड़ी देर के लिए कोप होता है। और भाई ध्यान भी रखना चाहिए कि जिसका वरण किया जाए, इसलिए तो हमारे ब्रजवासी तो बहुत बढ़िया कहते हैं, हमको अच्छा लगता है उनका। हमारे ब्रजवासी कहते हैं बाबा ने, नंद बाबा ने ब्राह्मणों का वरण किया क्योंकि संतान नहीं हो रही थी, तो ब्राह्मणों का वरण किया कि तुम गोपाल सहस्रनाम का पाठ करो कि छोरा हो जाए हमारे यहां। वो महाराज ब्राह्मण आते तो थे भांग छाने, फिर यमुना मैया में स्नान करते करते कहते थे यमुना मैया मेरे बाबा को छोरा दीजियो छोरा, ब्रजवासी लोग सुनाते हैं। और कोई मंत्र मंत्रणाएं जपे छान के भांग, और महाराज यमुना मैया में जय जाके बोले कोई मंत्र मंत्रणाएं जपे, और बिना मंत्र जपे महाराज उनको सिद्धि होगी, कृष्ण जैसा पुत्र आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ब्राह्मणों के प्रति उनका आदर और सम्मान था। ये देखो, उनका आदर सम्मान नहीं होता तो कृष्ण जैसा बालक नहीं आता। हमने महाराज जी की कृपा से मान जी महाराज की कई दिन तक कर्मकांड भी किया कि आश्रम में ही है। तो एक पुराने पंडित थे तो चले गए, वो बताते थे कि महाराज एक जजमान आया वृंदावन में, और उस जजमान ने आकर के कहा कि शास्त्री जी सब दवा खा के देख लिया नींद नहीं आती है, तो कोई यज्ञ करवाओ जिससे हमको नींद आने लगे। पैसा बहुत था, उन्होंने कहा माघ का महीना था, उन्होंने कहा हमारे पास एक बहुत बढ़िया अनुष्ठान है, 108 पलंग मंगाओ नए, गद्दा रजाई ठंड का समय, और ये फोगला आश्रम में वो प्रयोग हुआ। 108 ब्राह्मण वर्ण किए, कुछ नहीं करना था उनको, चकाचक माल खाओ और रजाई ओढ़ के सो जाओ।
अब वो यजमान महाराज फंस गया था, वो आचार्य जी बताते थे, और 11 दिन का अनुष्ठान कराया। स्वाभाविक है, जब ज्यादा बोझा था धन का, सो खाली हुआ तो नींद तो आएगी। अब तो यजमान को नींद आने लगी, वो ब्राह्मण आकर सोते भी रहे तो यजमान को नींद आ गई। हमने तो अपने महर्षि के बारे में सुना है कि महर्षि वाल्मीकि रामायण की कथा करने शायद कोयम्बटूर गए, और वहां कोई पंडित जी आए, विद्वान, विद्वान क्या उनके कुल पुरोहित थे, और उनको महर्षि के बारे में पता नहीं था कि महर्षि इतने बड़े विद्वान हैं। उनको लगा कि जैसे अन्य बाबा जी होते हैं वैसे होंगे, और महाराज उन्होंने स्वस्ति वाचन का पाठ किया, किंतु वो भी अशुद्ध। महर्षि तो वेदों के जानकार, स्वस्ति वाचन क्या उनके लिए, किंतु वारे वाह महर्षि शास्त्री जीवन जीने वाले। महर्षि ने उनकी बड़ी बड़ाई की, और यजमान से खूब कहा कि खूब ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, खूब कराया और अपनी तरफ से भी दिया। वो तो खूब खुश हुए कि बाबा तो बहुत बढ़िया है, इतना सम्मान कर। बोले वार महात्मा अभी विद्वान है, विद्वान है। बाद में जब चलने का समय आया तो महाराज जी ने कहा कुछ दिन के लिए वृंदावन आना, और यजमान को कहा कि इसको भेज देना। वो महाराज उनको लगा कि जब यहां इतना दिया तो बाबा के वहां जाएंगे तो वहां भी खूब माल मिलेगा, और महर्षि हमारे तो परम उदार थे भी, उनको देने में क्या फर्क पड़े। तो जब वो पंडित जी आए तो महाराज जी ने एकांत में उन पंडित जी को कहा कि आपका स्वस्ति वाचन अशुद्ध है, हमारे यहां वेद विद्यालय में काशी के आकर विद्वान पढ़ाते, उनसे शुद्ध कर लो। ये सभा में डांटा नहीं उनको, हमको नहीं लगा कि किसी ने कभी, महाराज जी ने किसी का अपमान किया होगा। एक बार पूज्य द्वारिका प्रसाद शास्त्री जी ने सुनाया कि महाराज जी यहां वृंदावन में किसी विद्वान की भागवत की कथा का उद्घाटन करने गए। बोले हम लोग भी साथ में थे, महाराज जी उद्घाटन करके बैठ गए, और बैठ करके एक डेढ़ घंटा कथा सुनी, किंतु उनकी कथा इन लोगों से झिल नहीं रही थी, कथा की शैली कुछ ऐसी रही होगी। जब महाराज जी रास्ते में आ रहे तो महाराज जी ने कहा वाह कितना बढ़िया बोलते हैं। तो इन लोगों को लगा कि महाराज जी क्या झूठ मूठ की प्रशंसा कर रहे हैं क्या, कि कितना बढ़िया बोलते हैं। तो शायद शास्त्री जी ने पूछ दिया कि महाराज हमको तो बैठना मुश्किल था, आपको क्या बढ़िया लगा। बोले तुमने ध्यान नहीं दिया श्लोक का उच्चारण कितना बढ़िया है, ये गुणग्राहिता। भले कुछ कथा की शैली ठीक नहीं है, प्रतिपादन अभिव्यक्ति ठीक नहीं है, किंतु उच्चारण कितना बढ़िया है, दूसरी ओर दृष्टि जाए ही नहीं। और ये महाराज विद्वान का अपमान कर दिया था इन्होंने, तब उस विद्वान ने कहा कि तुमको पुत्र तो होगा किंतु मूर्ख होगा। जब हाथ जोड़कर प्रार्थना की, उन्होंने कहा ठीक है मूर्ख भूत्वा होगा तो मूर्ख, कि विद्वान अपि भविष्यति, मूर्ख होने के बाद भी बाद में विद्वान हो जाएगा। आशीर्वाद मिल गया पंडित जी को, कुछ प्रसन्नता भी हुई। बाद में यज्ञ के बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई, सारे संस्कार किए गए, और जब उसने प्रसव किया बड़ा सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। उतत्थ इति पुत्रस्य कृतम नाम पुराविदा, उस बालक का नाम उतत्थ रख दिया पंडित जी ने। सा अष्टमे तथा वर्षे सुभे तुम सुवासरे, आठवें साल का हुआ तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया, और यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद भी उसको महाराज वेद पढ़ाना चाहते थे, उससे उच्चारण ही नहीं होता था, कुछ बात याद कराई जाए तो उसको कुछ याद ही नहीं रहता था। बहुधा पाठिता पित्रा न दधार मतिम सठह, पिताजी ने खूब प्रयास किया कि इसको वर्णमाला ही याद हो जाए, तो वर्णमाला भी नहीं याद हुई। अयुण रिलिक ए ओंग अय छयवरट लण यमगणम झभ गणदस जब गणदस खप चटत चटतो कपय सर हल,
ये 14 सूत्र भी उसको याद नहीं हुए व्याकरण के। अब पिताजी बड़े परेशान रहते थे, महाराज सब जगह उस मूर्ख की उपेक्षा होती थी, सब लोग हंसी उड़ाते थे, पिताजी को भी बहुत पीड़ा होती थी, पिताजी कई बार कोप भी करते थे उस पर। विद्वान के घर में मूर्ख बालक उत्पन्न हो जाए तो स्वाभाविक है कि उसको पीड़ा होगी, किंतु उसकी निंदा सुनकर सुनकर के महाराज पिता भी बंधु बांधव भी सब जगह उसकी निंदा होती थी, तो वैराग्यम उसको वैराग्य प्रकट हो गया कि संसार किसी काम का नहीं है और अब हमको घर नहीं रहना है। ये बगुस ब्राह्मण का ही आशीर्वाद था, नहीं तो महाराज वैराग्य उत्पन्न होना बहुत कठिन है। सौ सौ घूसा खाएं तमाशा घुस के देखें, घर में चाहे कितनी पिटाई हो चाहे कितनी उपेक्षा हो किंतु वैराग्य नहीं होता है, वहीं घुस घुस कर मरना चाहता है व्यक्ति, किंतु इसको तो उपेक्षा से वैराग्य हो गया और विचार करने लगा कि कहां मैं पतित हो गया हूं, और सीधे घर छोड़कर अकेला निकल गया। गंगा तीरे सुबह स्थाने, गंगा के किनारे एक शांत स्थान में उसने अपनी झोपड़ी बनाई और झोपड़ी बना करके वहां बैठ करके चिंतन किया कि मुझे कुछ आता जाता तो है नहीं, ना कोई मंत्र आता है ना कोई विधि आती है, तो मैं नियम क्या लूं। उसने एक ही नियम लिया, नियम च परम कृत्वा ना असत्यम प्रब्रवीम्यहम्, आज के बाद मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा, सत्य ही बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए सत्य के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं बोलूंगा, यह नियम ले लिया। अब नदी किनारे वर्षों बीत गए, उसको रहते रहते चारों तरफ माना धीरे धीरे उसकी चर्चा चलने लगी कि नदी किनारे कोई महात्मा बैठे हैं और लोग उनका नाम सत्य तपा बोलने लगे, क्योंकि सत्य बोलते थे और तपस्वी थे, और वह महाराज सदा सर्वदा एकांत में बैठे रहते थे, किसी से कुछ कहना नहीं, किसी से कुछ सुनना नहीं, न कोई पाठ करना, न कोई जप करना, न किसी को और देखना, सुबह स्नान कर लें तो कर लें, कभी ना करें तो ना करें, न दुजा पूजिता द्रव्य, कोई उनको कुछ कहता नहीं था। ऐसे स्थिति में महाराज एक दिन नहीं दो दिन नहीं, वर्षाणि तत्र नव पंचम, नौ और पांच कितने हो गए, 14 वर्ष बीत गए। नाराधनम न जपम न विद्येत मंत्रम, न कोई आराधना है न मंत्र है न जप है, कुछ भी नहीं है, केवल वो बैठे रहते हैं एकांत में, किसी से बोलना नहीं। महाराज ये भी एक साधना, किसी से मतलब न रखना ये भी बड़ी बात है, एकांत में बैठे रहते हैं। संयोग से एक शिकारी ने सुअर का शिकार किया, उसके बच्चे बहुत भूखे थे और बाण लगा तो सुअर भागा, और सुअर भागता हुआ ये जहां बैठे थे उसी उनके सामने से निकला लहू लुहान रक्त रंजित शरीर, तो देखकर करुणा जग गई। अभी मैंने विस्तार से वर्णन नहीं किया क्योंकि बहुत सारी कथाएं हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के लक्षण बताए गए हैं, उसमें सतोगुण जब बढ़ता है तो यह भी बढ़ता है, करुणा बढ़ती है, दया बढ़ती है, आर्जो बढ़ता है, सतोगुण हमारे जीवन में बढ़ता है तो क्या क्या बढ़ता है आप लोग देवी भागवत में देख सकते हैं। रजोगुण बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, तमोगुण बढ़ा है हमारे शरीर में तो क्या होगा, इसका सबका है। मारे रजोगुणी व्यक्ति को कहो बैठो तो बैठ नहीं सकता, उसको कुछ काम चाहिए, क्रिया चाहिए, तो सबके गुणों का अलग अलग नियम है। तो एकांत में रह रहे थे, स्वाभाविक है कि सतोगुण जीवन में बढ़ा, कोई व्यापार है नहीं, कोई दूसरा काम है नहीं, सतोगुण के कारण इनके हृदय में करुणा जग गई थी, और जो करुणा जगी तो उस लहू लुहान सुअर को देखकर का ऐ, बस ऐ निकल गया, और ऐ निकलने से ही इनको सरस्वती सिद्ध हो गई, केवल ऐ उच्चारण करने से एक बार, जैसे ऐ ऐ कह दे व्यक्ति, अरे ऐसा, और मारे उसमें सरस्वती मंत्र ऐंग है किंतु ऐ निकला, अधूरा निकला, पूरा नहीं निकला,
और सरस्वती जो जग गई, इतने में महाराज वो शिकारी आ गया और शिकारी आकर के इनको प्रणाम करके कहता है, व्याघ प्रणम्य प्रमुख महाराज प्रमुखे स्तुतो सौ, प्रणाम करके व्याघ सामने खड़ा है धनुष लिए हुए और कहता है, जानामि तेहम सुव्रतम प्रसिद्धम, महाराज मैं जानता हूं तुम व्रतधारी हो और सब जगह तुम्हारा नाम है कि तुम सत्य बोलते हो, तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुम्हारे व्रत से मैं परिचित हूं, मैं भूखा हूं, मेरा परिवार भूखा है और मेरी जीविका यही है, मेरा कुटुंब का भरण पोषण इसी से होता है, उनके पेट के भरण पोषण के लिए हम शिकार किए, यहां मेरा सुअर आया है क्या? अब ये जब महाराज उसने पूछा तो ये तुरंत चिंतन करने लगे, सरस्वती जग गई थी, बोले सत्यव्रतम ते सत्यव्रतम मेद्य भवे नमग्नम, ये चिंतन करते हुए कहते हैं क्या सत्य किसका नाम है, किसको लोग सत्य कहते हैं? आजकल लोगों को सत्य की व्याख्या ही नहीं पता है, कई बार छोटी सी व्यवहार में कोई बात बोल जाए ऐसे, अरे झूठ में झूठ मिला दिया, क्या बड़ी बात हो गई, झूठ में झूठ मिलाते रहते लोग सत्य की व्याख्या कहां जानेंगे, ये संसार में क्या सत्य है क्या समझ पाएंगे। ये सरस्वती जगी थी तो उन्होंने कहा कि मैं समझ गया सत्य नाम किसका है, किसको सत्य कहते हैं, सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा, ये कहते वो सत्य सत्य नहीं है जिसका जहां हिंसा होती हो जिस सत्य के नाम से। अब जरा विचार करो, कोई कोई अंधा सामने खड़ा हो और आप बहुत सत्यवादी हो, उससे पूछो ए अंधे हटो यहां से, अब है तो सच्चा कि अंधा है वो, किंतु ये सत्य से उसका हृदय विदीर्ण हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए उपनिषद कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, सत्य बोलना बहुत अच्छा है किंतु ऐसा सत्य मत बोलो कि किसी की छाती चिढ़ जाए बाण लग जाए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो ये विचार करके कहते हैं सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा दयान्वितम चा नृतम एव सत्यम, मैंने अब समझ लिया है उससे बोल नहीं रहे, ये मन में उनके चिंतन चल रहा है कि मैंने समझ लिया है कि जहां दया है वहीं सत्य है, जहां करुणा है वहीं सत्य है, हितम नराणाम भवदीय एन, जिसमें नर का हित हो जिसमें नर का मंगल हो वही हित है, तदेव सत्यम न सत्य, महाराज वही सत्य है दूसरा कोई सत्य नहीं है। तो ये विचार करने लगे कि इसमें दोनों का हित है, यदि मैं सत्य बोलता हूं तो इसके कारण उसका वध होगा, उसका पाप इसको लगेगा और उसका जीवन चला जाएगा, तो ऐसा सत्य बोलने की जरूरत हमको नहीं है, तो क्या झूठ बोल दें, तो मौन है कुछ बोल नहीं रहे। वो बार बार पूछता है आप बोलते क्यों नहीं हो, मेरा शिकार इधर आया है, तब मुस्कुरा करके बोले आप किससे पूछ रहे हो, या पश्यति न सा ब्रूते है, जिसने देखा है वो बोलता नहीं है। अब कहते हैं तुम्हारी आंख आंख ने देखा है तो आंख थोड़ी बोलती है, और जो बोलता है उसने देखा नहीं है, आप कहते हो सत्य बोलो सत्य बोलो, क्या सत्य बोला जा सकता है, या पश्यति न सा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति, जिसने देखा है वो बोलता नहीं है और जो बोलता है उसने देखा नहीं है, इसलिए अहो व्याघ स्व कार्यार्थिन किम पृष्यति पुनः पुनः, अपना काम बनाने के लिए बार बार क्या पूछते हो कि इधर गया है कि नहीं गया, कौन बताएगा, ये जीभ बताएगी तो इसने देखा ही नहीं क्या इसको पता है, और आंख जो देखने वाली उसके पास बोलने की जीभ नहीं है, वो भी सोचता होगा कहां किसके चक्कर में पड़ गए, मरा तुरंत वो निराश्रय होकर के निराशा शुरू करे, तस्मिन वो जान गया कि यहां कोई बात चलने वाली नहीं है और वो चला गया।
देखो एक बात बताएं, कितनी बढ़िया बात हुई कि बिना झूठ बोले ही सब कुछ हो गया। जरूरी नहीं कि उनको कहना पड़ा कि मैंने देखा नहीं है। इसलिए महाराज महापुरुषों को सफाई देने वाला पसंद नहीं होता है। अगर वो कुछ कहे तो तुम सफाई देने लगो, जानते हैं झूठ बोलेगा, इसलिए गुरुजनों के सामने सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार से महाराज उन्होंने सुनाया और सुना करके कहा कि देखो आप सावधान होकर के सुनो। भगवती ने कहा कि सावधान होकर के सुनो, अय यदि केवल आश्चर्य से निकल गया और यदि सचमुच में कोई अयंग बीज मंत्र का जप करता है तो उसके जीवन में निश्चित रूप से कोई कमी रहने वाली नहीं है, वह सब प्रकार से संपन्न होने वाला है। इन्होंने महाराज एक बात कही, सात्विकम राजसम चैव तामसम च तथा परम मुनि नाम सात्विकम प्रोक्तम नृपाणाम राजसम स्मृतम। देखो भाई, सबके लिए अलग अलग यज्ञों की महिमा है। आप ध्यान दीजिए कि एक जैसा यज्ञ नहीं हो सकता है। सात्विक राजस और तामस यज्ञ है तो किसको कौन सा यज्ञ करना चाहिए? बोले विमुक्ता नाम ज्ञानमयम यज्ञम। ये जो हमारे विमुक्त जन महात्मा जन है वैराग्यशाली, इनको कोई यज्ञशाला में बैठ करके यज्ञ का अभिप्राय स्वाहा स्वाहा करना नहीं है। जैसे ज्ञान सत्र होता है ना, ज्ञान यज्ञ, तो यहां ज्ञान यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ माने ज्ञानाग्नि, और ज्ञानाग्नि में ही सब अहंता ममता को स्वाहा करना है, उसी में सब आहूत करते चले जाना है, वही यज्ञ है। वहां अग्नि कोई बाहर की नहीं आएगी, अपनी ही ज्ञान की अग्नि जला करके और विचार कर करके उसमें आहूति डालते जाना है, और यदि आहूति आप डालते जाते तो आपका ज्ञान यज्ञ सफल हो गया। वहां यज्ञ शब्द का प्रयोग कोई स्वाहा स्वाहा अर्थ में नहीं है। जैसे कहते ज्ञान सत्र चल रहा, सत्र का नाम भी यज्ञ ही है, यज्ञ का नाम तो यज्ञ है ही, तो केवल स्वाहा स्वाहा का नाम ही यज्ञ नहीं है। तो कैसे भी उस व्यक्ति के जीवन में अगर ब्रह्म विद्या का विचार भी होता है आपके जीवन में तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। तो हमारे महात्मा लोग से अलग अलग प्रकार से इस प्रकार यज्ञ करते रहते हैं। तो कोई किसी प्रकार से यज्ञ करता है, भगवान शंकर सत्संग का यज्ञ करते हैं, तो सब लोग अलग अलग ढंग का यज्ञ करते हैं और इस यज्ञ से भगवती प्रसन्न हो जाती है। और यदि भगवती प्रसन्न हो गई तो याद रखिए फिर किसी जीवन में किसी आपके जीवन में किसी प्रकार की भी कोई कमी पड़ने वाली नहीं है। मंगल को अमंगल करने अमंगल को मंगल करने वाली भगवती है। हमारे जन्मेजय जी ने कहा कि गुरु जी एक बात कहूं, श्रुतो वही हरिणा तृप्तो यज्ञो विस्तरतो द्विज। हे प्रभु, मैंने सुना है कि हरि के द्वारा प्रसन्न होकर के भगवती ने उनको सब कुछ दिया। मैंने एक बात और आपसे सुनी, आप इस यज्ञ के बारे में, जो नवरात्र का यज्ञ है, नवदेवी का जो यज्ञ है, उस यज्ञ के बारे में हम पूछना चाहते हैं, ये कैसा यज्ञ है और यज्ञ किस विधा से करना चाहिए? प्रसादस्तस्य विप्रेन्द्र भविष्यामि न पावन, हे भविष्यामि च पावन, जिससे व्यक्ति लोग पवित्र हो जाते हैं। इस विषय में वेद व्यास जी महाराज ने एक दिव्य चरित्र सुनाया है, बहुत प्यारा चरित्र है, कई अध्यायों में है। और भगवती की आराधना का क्रम, बीज मंत्र के उच्चारण का, ये जैसे ऐंग ये सारस्वत मंत्र था, अभी क्लीम ये काम बीज मंत्र है, कामद मंत्र बोलते हैं, कामना को पूरी करने वाला मंत्र। तो कैसे, जैसे आपने सुना कि अभी ऐंग केवल आश्चर्य से उच्चरित हो गया, ऐसे ये क्लीम बीज मंत्र कैसे भी उच्चरित हो जाए, उसकी महिमा को सुनाते हुए वेदव्यास जी महाराज ने कहा, सुनो राजन प्रवक्षामि देव्यास चरितम उत्तमम। हे राजन, भगवती का उत्तम चरित्र आप सावधान होकर सुनो। इतिहासम पुराणम च कथयामि सुविस्तरम। इतिहास और पुराण में जहां जहां इनकी महिमा गाई गई भगवती की, हम सुनाएंगे। कौशलेषु नृपश्रेष्ठ सूर्यवंश समुद्भव। अवध में एक राजा सूर्यवंश में उत्पन्न हुए, महाराज जिनका नाम था ध्रुव संधि, अवध के राजा थे।
बड़े धर्मात्मा थे, सत्य संग थे, वर्णाश्रम व्यवस्था को जीने वाले थे। उनके राज्य में अयोध्या का राज्य बड़ा विस्तार को प्राप्त हुआ था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र द्विज सबके प्रति न्याय करने वाले थे। राजा के दो ब्याह हुए थे, एक पत्नी थी बंगाल की और एक पत्नी थी उज्जैन की। ये मनोरमा धर्मपत्नी, जिनका नाम मनोरमा था, ये बंगाल की थी, और जो उनकी लीलावती द्वितीय पत्नी थी ये उज्जैन की थी। और दोनों वैसे पत्नियों में आपस में बड़ा प्रेम था, भले ये स्रोत थी किंतु आपस में प्रेम मानती थी। संयोग से मनोरमा से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, जिस पुत्र का नाम है सुदर्शन, नाम ही सुदर्शन है। और धीरे धीरे बढ़ने लगा, राजा को प्रिय भी था। बाद में लीलावती से भी एक संतान उत्पन्न हुई, जिस संतान को महाराज शत्रुजित नाम रखा गया। राजा बड़े आनंद में रहते थे दोनों बालकों के साथ, किंतु शत्रुजित थोड़ा वाक्पटु था बचपन से ही। और हमने देखा जो बच्चे थोड़ा वाक्पटु होते हैं वो ज्यादा माता पिता के प्रिय हो जाते हैं, तोतली भाषा में ज्यादा बोलते हैं। और घर वालों को तो महाराज जिनकी भाषा तोतली भी प्रिय लगती है, और राग होता भी ऐसा है बच्चों के प्रति, तो ऐसा राग हो जाता है महाराज आपको क्या कहें, कि चाहे कैसा भी बच्चा हो तब भी माता पिता को प्रिय होता है कि नहीं, बहुत प्रिय होता। राग की क्या दशा कहे, हमारे यहां कई बार हम हंसते हैं, एक सज्जन बच्चे को खिला रहे थे, ऐसे ऊपर उछाल रहे थे, आजकल तो पट्टा बांध के रखते ना, बच्चों को पहले बांधते नहीं थे, छोटा बच्चा, उसने मारा सीधे लघुशंका कर दी। अब वो पिता के मुख में सब मामला गिरा, तो किसी ने कहा मुख धो लो गंदा हो गया, तो बाप ने कहा कमाल करते हो, पूत को मूत प्रयाग को पानी, ये प्रयाग का पानी है, इससे ज्यादा पवित्र और क्या हो सकता है। तो राग की भी पराकाष्ठा है जी, राग हो जाए ना किसी से, अब बताइए इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। हम अपने यहां की बात सुनाए, पूत को मूत प्रयाग को पानी। अब ये छोटा वाला महाराज थोड़ा चंचल था शत्रुजित, किंतु उससे बहुत राग, क्योंकि चंचल के साथ साथ चाटु वाक्यकारो, महाराज मीठी मीठी बातें बोलता था, किंतु भैया ध्यान रखना ये जीवन का किस समय कहां किस मोड़ पर कैसा परिवर्तन हो जाएगा कुछ पता नहीं। आज हम सब इतने आनंद में बैठे हैं, कल प्रारब्ध की कौन ऐसी घड़ी कहां से किसके जीवन में आ जाएगी, कब व्यक्ति का सुख में जीवन दुख में बदल जाएगा कुछ पता नहीं है। इसलिए भैया अध्यात्म का बल चाहिए, मैं तो गारंटी से लोगों कहता हूं कथाओं में भुजा उठा करके, कि यदि अध्यात्म का बल नहीं है तो दुनिया की संपत्ति भी इकट्ठी कर लेना, कोई माई का लाल पैदा नहीं हो सका जो तुम्हें सदा सुखी रख सके। जो आज सुख शांति का जीवन दिखता है, एक चुटकी बजाने में सब परिवर्तित हो जाता है, और इनका ऐसे हुआ। हमारे श्री ध्रुवसंधि का जीवन बहुत आनंद में बीत रहा था, उत्साह से बीत रहा था, सब परिवार वाले बड़े प्रसन्न थे, घर में भी खुशियां थी। और एक दिन ये शिकार खेलने के लिए गए थे और एक सिंह ने इन पर हमला बोल दिया, और सिंह ने जब हमला बोला, इनके साथ सैनिक भी थे, सिंह के साथ इनका बड़ा युद्ध हुआ, इधर से ये बाण मार रहे हैं उधर से वो बाण मार रहा है, खूब इन्होंने बाण वर्षा किए, किंतु इन पर हावी पड़ गया सिंह, और कुपित होकर छलांग लगा करके इनको मार दिया। द्रुसंधि जब मारे गए, मारे जाने के बाद सैनिकों ने तो उस हाथी को भी उस सिंह को मार दिया, किंतु महाराज जब मार देने से क्या होगा, तुम भले सिंह को मार दो। और जब महाराज वे पता चला तो वशिष्ठ आदि महाराज बड़े दुखित हुए, और दुखित होकर के कहा कि इसकी संस्कार करवाया जाए, संस्कार हो रहा था तब तक महाराज जो लीलावती थी
जिसके पिता उज्जैन के थे, वो महाराज सेना लेकर के आ गए। उनको लगा कि हमारा ये बेटी का बेटा अभी छोटा है और कहीं मंत्री अन्याय न कर दे। वैसे तो सुदर्शन राज का अधिकारी था, किंतु उनको लगा राग के कारण कि मेरी बेटी का बेटा ही राजा अवध का बनना चाहिए, और आ गए। जब आ गए तो मंत्रिमंडल में उन्होंने, उनका नाम युधाजित था, शत्रुजित के नाना का नाम युधाजित, और सारी सेना लेकर के आए थे युधाजित। तब तक महाराज वार्ता हो रही थी, तब तक युधाजित तो आ गए थे, किंतु मनोरमा के पिताजी भी कलिंग महाराज बंगाल देश से आ गए, और वो भी सेना लेकर के आ गए। वीरसेन जी उनका नाम था। उनको लगा कि हमारी बेटी का बेटा राजा बने, उनको लगे हमारी बेटी का बेटा राजा बने। मंत्रियों ने कहा कि भाई बात तो ये कि इसमें निश्चित रूप से राज्य परंपरा के आधार पर तो मनोरमा का बेटा ही बनेगा, सुदर्शन उसका नाम है, और छोटे से वो बड़ा भी है, बड़े को राजा बनना चाहिए। किंतु युधाजित ने कहा कि ऐसा नहीं, बड़ा किसके आधार पर? आयु के आधार पर। वीरता में बड़ा आयु के आधार पर नहीं होता, बल के आधार पर होता है, और जो बल में से बलवान होगा उसके साथ उसका ब्याह होगा, और राज्य मिलेगा उसको उसका पहले ब्याह होगा और राज्य मिलेगा। इन्होंने कहा नहीं। वीरसेन दोनों आपस में झगड़े, और महाराज ऐसा झगड़ा हुआ कि दोनों का युद्ध ठन गया। अब राज्य तो बाद में मिलेगा, दोनों के युद्ध ठन गए, भयंकर लड़ाई होने लगी। इसमें लाखों सेना मारी गई, किंतु युधाजित इसमें बलवान पड़े और वीरसेन को उन्होंने मार दिया। अब जब महाराज ये वीरसेन मारा गया, और ये सूचना जब घर में मिली मनोरमा को कि हमारे पिताजी मारे गए, तो मनोरमा विचार करने लगी कि अब यहां रुकना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? इसने कई युक्तियां दी हैं, हम लोगों के बड़े काम की हैं और समझने लायक है। मनोरमा हतम सुत्वा पितरम ब्रह्म रणभूर्मणि, जब उसने सुना कि वहां रणांगन में हमारे पिताजी मारे गए, तो सोचा कि यहां से चल चलना चाहिए। क्या करें, किम करोमी, क्या गच्छामी, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, पिता में निहितो रणे। अब तो हमारे पिताजी भी मारे गए, हमारा कोई रक्षक नहीं, और हमारा पति भी मारा गया। भर्ताचा भी मृतो तैव पुत्रो यम मम बालकः, हमारे पिताजी मारे गए, हमारा पति भी मरा पड़ा है, और बालक अभी छोटा है, नन्ना मुन्ना, ये बेचारा क्या कर सकता है। और चिंतन करके विचार करती, लोभो अतीव च पापिष्टः तेन को न वशीकृतः। ये लोभ नारायण बहुत बड़ा पाप है, ध्यान रखना। हमने तो संतों के मुखारविंद से यही सुना कि पाप के बाप का नाम लोभ है। यहां भी यही चिंतन करती, किम न कुर्यात यदा विष्टः पापम पार्थिव सत्तमः। जिसके अंतकरण में पाप प्रविष्ट हो जाता है वो क्या नहीं कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है लोभ के आने पर। ये कहते हंति लोभ, क्यों? पितरम मातरम भ्रातृन, माता पिता से, पिता से, मां से, भाई से, गुरु से, स्वजन से, बांधो से। महाराज हंति लोभा समाविष्टो जनो नात्र विचारणा। जब व्यक्ति के जीवन में लोभ बढ़ जाता है तो भाई की हत्या कर दे, गुरु की हत्या कर दे जी, अब इससे ज्यादा और क्या हो जाता है, स्वजन बांधो की हत्या कर दे। और इतना ही नहीं, अभक्ष भक्षणम, जो खाने वाले पदार्थ नहीं वो भी खाने लगता है लोभ के कारण। लोभाद अगम्या गमनम तथा, अगम्या के साथ गमन करने लगे लोभ के लिए। करोत किल तृष्णार्थो धर्म त्यागम तथा पुनः, निश्चित रूप से तृष्णा के लिए धर्म का भी त्याग हो जाता है। हमने एक महात्मा से सुना था, महापुरुष के मुख से, कि मध्य प्रदेश का एक बालक काशी पढ़ने के लिए गया। 12 वर्ष तक रहकर उसने शास्त्रों का अध्ययन किया,
अध्ययन करके विद्वान होकर के जब आया, वैसे नियम तो यह है कि विद्या ददाति विनयम, व्यक्ति के जीवन में जैसे जैसे विद्या आती है वैसे वैसे विनम्रता आती है। जैसे वृक्ष फलदार होते हैं तो वृक्ष झुक जाते हैं, किंतु यदि विद्या से अभिमान आ जाए तो जान जाना चाहिए वो विद्या नहीं अविद्य ही है। अब उसको विद्वान महाराज बालक को अभिमान आ गया कि मैं बहुत पढ़ा लिखा विद्वान हूं। पिताजी बेचारे गांव के थे, किसान थे, खेती करते थे, तो पिता को प्रणाम ही नहीं किया। पिताजी समझ गए कि इसको अभिमान हो गया है। एक दिन संध्या के समय कोई चर्चा चल रही थी, पिता ने कहा कि पुत्र मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे कुछ आता जाता नहीं, किंतु तुम एक बात बताओ, पाप के बाप का नाम क्या है? अब वो पूरे पुराण आदि ढूंढता रहा कि कहीं मिल जाए, शायद देवी भागवत नहीं पढ़ा होगा। अब ढूंढता रहा कहीं मिला नहीं, तो घर से निकल करके काशी आया, जिन गुरुजनों से पढ़ा था उनको सारी घटना सुनाई और कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पिताजी ने पूछा, मैं तो उत्तर ही नहीं दे पाया। तो गुरुजनों ने कहा कि तुम परिव्राजक बनो, घूमो। और महाराज पहले भी जब हम लोग महात्माओं को दीक्षा देते थे गुरुजन, तो कहते थे भिक्षा मांगो और परिव्राजक बनो, ये घूमने से बहुत ज्ञान होता है। हम देखते हैं घूमते रहते, नाना प्रकार के संस्कृतियों के लोग मिलते हैं, नाना बुद्धि वाले मिलते हैं, महाराज ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं क्या कहा जाए, कि लगता है बुरिया बिस्तर बांध कर झगड़े के लिए ही घूम रहे हैं। एक सज्जन अभी हमको मिल गए कुछ दिन पहले, ट्रेन में हमारा स्वर बजता है तो मेरे को बार बार जगा के बोले तू बैठ जा, तू अगर सोएगा तो मैं नहीं सो सकता हूं। तो हमने कहा कि भाई क्या करूं, अच्छा वो मैं थका भी था, जगा भी थोड़ी देर बाद, फिर मैं बैठे बैठे सो गया, तो बैठे बैठे सो गया तो आकर नाक ही पकड़ ली हमारी, और नाक पकड़ ली, जब नाक पकड़े तो सांस नहीं आई तो बड़बड़ा गया, तो बोले ना तू सोएगा ना मैं सोऊंगा। हमने कहा तो झगड़ा के लिए बैठा है बेचारा, अब रात्रि में मैं क्या कहूं उनको, 12-1 बजा है ट्रेन में हूं, तो यदि मैं कुछ कहता हूं तो दूसरों को, तो हमने कहा अच्छा ठीक है तुम सो जाओ मैं घूम रहा हूं। तो मुझे लगा कि ये देखो घूमने से नाना प्रकार के लोग मिलते हैं, अगर आश्रम में ही बैठे रहते तो इन लोगों का अनुभव हो ही नहीं पाता हमको, कि ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे ऐसे संस्कार मिलते हैं लोगों के, और एकदम महाराज वो तो तैयार बैठे हैं, आप थोड़ा कुछ कहो तो खोपड़ी फाड़ने के लिए लड़ते रहो। तो कहा परिव्राजक बनो, तो उनको परिव्राजक बना दिया, कहा अपने आप कोई ना कोई बताने वाला मिल जाएगा। वो महाराज ब्राह्मण बालक था, सदाचारी था, स्वयं पाकी था, त्रिपुंड लगाता था, त्रिकाल संध्या करे बालक, सदाचार था सब उसके जीवन में। एक नगर के बाहर एक नदी के किनारे सुंदर उद्यान था, बगीचा, सुबह सुबह का समय था, वहां रात्रि में विश्राम किया था, संध्या वंदन कर रहे थे, तब तक एक महाराज देवी आई, उसने देखा कोई तेजस्वी ब्राह्मण बैठे बगीचे में, उसने अपनी स्वामिनी को बताया कि अपने बगीचे में ऐसे कोई तेजस्वी ब्राह्मण बैठे हैं, उनके चेहरे से तेज निकल रहा है साधना का। तो महाराज वो बारांगना थी उस शहर की, वैश्या थी जिसका बगीचा था, वो आई और आकर के प्रणाम करके बैठ गई, दूर से प्रणाम किया और कहा महाराज बड़ा सौभाग्य है हमारा कि आप जैसा तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण हमारी बगीचे में विश्राम कर रहा है। तो पंडित जी ने पूछ लिया कौन हो तुम, तो उसने कहा ईमानदारी से कहा कि मैं इस नगर की वैश्या हूं। जो कहा कि वैश्या हूं तो बालक खड़ा हो गया, तरुण बालक, शांतम पापम, इस वैश्या के बगीचे में मैं कहां से बैठ गया, मेरा तो सब पुण्य नष्ट हो गया। तो जब वो जाने लगा तो उस वैश्या ने कहा कि महाराज मेरी एक प्रार्थना है, थोड़ी देर तो बैठे हो, थोड़ी देर और बैठ जाओ। बोले पहले जानकारी नहीं थी, अब जानकारी हो गई, मैं नहीं बैठ सकता हूं,
उसने कहा विचार कर लो, 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगी। अब पंडित जी सोचने लगे कि बैठने में क्या जाता है, 100 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी, काशी में थोड़ा भंडारा कर दूंगा, थोड़ा बच जाएगा, काम आएगा। बैठ गए। उसने थोड़ी देर के बाद कहा कि महाराज जी आप आज्ञा करें तो मैं घर से भोजन बना के ले आऊं। बड़े नाराज हुए, वैश्या के घर का खाऊंगा मैं, तुझे दिख रहा हूं कि वैश्या के घर खाने वाला हूं। जाने लगे तो उसने कहा विचार कर लो, अच्छा घर का ना खाओ तो सूखा सीधा ले लो, आटा ले लो। बोले नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा विचार कर लो, 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। तो पंडित जी ने सोचा आटा में क्या घाटा है, और आटा कौन सा अपवित्र होता है, किस दुकान से आया, किसने छुआ है, दाल सब्जी सूखा तो इसमें कोई छूत नहीं होती, ले आओ। ले आकर के महाराज जो सब्जी वब्जी काट करके प्रसाद बनाने वाले थे, तब तक उस बारंगना ने कहा कि महाराज जी मैं बना दूं। तो नाराज होकर के तेरा छुआ खाऊंगा, मैं ब्रह्मचारी हूं। तो डांटने लगे, उसने कहा विचार कर लो, अगर हम आटा मार दें और सब्जी काट करके छोंक दें तो 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगी। बोले हाथ तो हाथ है, अपना हाथ हो या उसका हाथ हो क्या जाता है, कहा ठीक है का कर दो। बना दिया, भोजन बन करके तैयार हुआ, भोग लगाने का समय आया। तब महाराज उन्होंने कहा कि आपकी आज्ञा हो तो एक ग्रास खिला दो। अब तो नाराज होने लगे, बोले तू तो हर बांध तोड़ती चली जा रही है। उसने कहा कि विचार कर लो, 200 स्वर्ण मुद्राएं दी। पंडित सोचे कोई गांव का देखने वाला तो है नहीं, यहां अगल बगल कोई देख नहीं रहा है, जाएंगे काशी में थोड़ा ब्राह्मणों को खिला देंगे, पंच गव्य ले लेंगे और क्या है, थोड़ा गंगा जी में 100 डुब्बी और लगा लेंगे, क्या हानि है। और कहा खिला दो। महाराज मुख खोला, उसने ग्रास तोड़ा तो था किंतु आंख बंद कर ली तब तक पंडित जी ने कि मुख खोल करके डाल दे। उसने ग्रास तो छोड़ा और छोड़कर एक तमाचा लगाया। एक तमाचा लगते ही पंडित जी एकदम आग बबूले हो गए और आग बबूला होकर के कहा तू वैश्या होकर तूने मुझे मारा। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं तो भ्रष्ट हूं ही, मैं तुम्हें पतित नहीं बनाना चाहती, मेरा मानस नहीं कि तुम पतित बन जाओ, तुम्हें दिखाना चाहती थी क्योंकि तुम खोजने के लिए निकले थे कि पाप का बाप कौन है, जिसके बगीचे में तुम बैठना नहीं चाहते थे, जरा विचार करो, आज उसी के हाथ से खाने के लिए तैयार हो गए। यहां तक तुम्हें कौन लेकर आया, एक लोभ ही लेकर आया। ये मनोरमा यही कह रही है, पितरम मातरम मातरम भ्रातृन गुरुन स्वजनान बांधवान हंति लोभात, लोभ के कारण लोग इनको मार देते हैं। अभक्ष भक्षणम लोभात, अगर ये दृष्टांत ना हमने सुना होता तो ये अभक्ष भक्षणम का अर्थ नहीं लगता मुझे। मैं विचार करता था कि लोभी व्यक्ति अभक्ष कैसे भक्षण करने लगेगा, अभक्ष भक्ष ऐसे ही करने लगेगा जैसे ये ब्राह्मण बालक करने लगा था। और अगम्यागमनम तथा, अगम्या के साथ गमन करने की भी वृत्ति हो जाए, करोति किल तृष्णार्तो धर्म त्यागम तथा पुनः। वह विचार करती है कि जिसके जीवन में लोभ आ गया है वो महाराज कहां जाकर के उसकी सीमा समाप्त होगी, इसका कुछ नहीं कह सकते। तुलसीदास जी महाराज ने तो गजब ढाया है। उत्तररामचरितमानस में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, काम की एक सीमा है, आप काम भोग कितनी देर भोग सकोगे, उसके बाद आपको नींद चाहिए। क्रोध की एक सीमा है, आप किसी पर नाराज हो जाओ ना थोड़ा तो घंटे भर आधा घंटे दो घंटे बाद में शांति होगी, किंतु लोभ का कोई पारावार नहीं है, इसलिए लोभ अपारा। उत्तर रामचरितमानस में लोभ अपार है,
और जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में लाभ की वृत्ति बढ़ती है, वैसे वैसे व्यक्ति के जीवन में लोभ की वृत्ति और बढ़ती है। अच्छा, एक से दो नहीं आएंगे, हिसाब ही अलग चलता है, उसका हिसाब ही बिल्कुल अलग अलग चलता है कि व्यक्ति के जीवन में तृष्णा का कोई पारावार नहीं है, लोभ का कोई पारावार नहीं है। मनोरमा ने विचार किया कि हते पुत्रे नृपणाम किम करिष्याम अहम पुनः, अभी तो हमारे पिता का वध कर दिया है युद्धजित ने, अपने बेटी के बेटे को स्थापित करने के लिए लोभ के कारण, और निश्चित रूप से अभी आकर के हमारे बेटे का भी वध करेगा। और मैं जानती हूं कि लीलावती न मे पुत्रे भविष्यति दयावती, लीलावती भी हमारे पुत्र पर दयावती नहीं होने वाली है, हमारे पुत्र पर दया करने वाली नहीं है। युधाजिति समायाते नमे निशरणम भवेत, मैं उससे प्रार्थना भी करूंगी कि हमको छोड़ दो तो मानेगा नहीं हो। और कितनी ऐसी घटनाएं हैं कि सपत्नी गरणम दत्तम सपत्न्या नृभार्यया, ये सपत्नियां जो सौत होती हैं, ये अपनी सौत के साथ क्या क्या व्यवहार नहीं करती हैं, इसमें पुराणों में कथाएं कितनी पड़ी हुई हैं। गर्भनाशार्थ उद्देश्य, एक हमारा सौत ने गर्भनाश करने के लिए बालक को जहर खिला दिया था और उससे जो बालक उत्पन्न हुआ विष के सहित, उसका नाम सगर है, ये राम जी के पूर्वज है सगर जी। गर माने जहरी होता है, सौत ने उसको खिला दिया था अपनी कि गर्भ नष्ट हो जाए। ये चिंतन करती है कि निश्चित रूप से एक नहीं कितनी ऐसी घटनाएं हैं, अरे दूसरे की बात तो छोड़ दो, जीव मानो तो भरता वही कैकेयी आनर्प भारी आया। अब रो पड़ेंगे, कवि रामचरितमानस को सावधानी से पढ़े तो दशरथ जी महाराज कहते हैं कैकेयी को कि अगर ये बर मांगोगे तो हम मर जाएंगे, राम के बगैर हम जी नहीं सकते। किंतु कैकेयी ने अपने भरता को मार करके भी लाभ धन लाभ करने का प्रयास किया कि नहीं किया, इसने एक नहीं महाराज कई, तो करूं तो क्या करूं, अब निश्चित रूप से मौत हमारे सामने खड़ी है। तो ये कहती हैं कि उद्यम सर्वथा कार्य, देखो कभी भी कहीं भी किसी स्थिति में हम हों, चाहे रोग की स्थिति में, चाहे शत्रु की स्थिति में, या काम की स्थिति में, या क्रोध की स्थिति में, तो हथियार डालना नहीं चाहिए। शास्त्र ये नहीं कहते कि हथियार डाल दो कि अब तो होना होगा तो होगा, ये नहीं। तब तक पुरुषार्थ करना चाहिए जब तक आप पुरुषार्थ करने लायक हो। उद्यम सर्वथा कार्य, उद्यम करो, और कई बार महाराज उद्यम काम आ जाता है, डूबते हुए व्यक्ति को भी उद्यम काम आ जाता है, लगता है अब डूबे, चारों तरफ सहायता करने वाला कोई नहीं, किंतु तब भी उद्यम काम आ जाता है। उसने अपने एक मंत्री को बुलाया जिसका नाम विदल था, उस मंत्री को कहा कि हमें यहां से निकालो। एक उनकी सेविका भी थी, विदल ने कहा कि आप चिंता मत करो, काशी नरेश के यहां हमारे मामा जी हैं और वहां हम तुमको लेकर अवश्य चलते हैं, वहां तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। महाराज उधर युद्ध से लोग आए नहीं थे, और ये निकली एक रथ में सामान रख करके, किसी को पता न चले, रणांगन में गई और रणांगन में जाकर के अपने बच्चे से अपने पति का संस्कार करवाया, क्योंकि वहां लाश पड़ी थी, और वहां से चुपचाप उसको लगता था कि जब घर में आएंगे तब मारेंगे, समाज में तो मारेंगे नहीं, और सीधे लौट कर घर नहीं आई। अपनी संपत्ति जो तेवर आदि थी, कपड़े आदि थे, वो सब महाराज रथ पर सरकर निकल कर चल पड़ी, और रात्रि हुई तो महाराज चोरों ने दस्युओं ने घेर लिया। प्रारब्ध जब विकट आता है तब क्या क्या घटना नहीं घटती, चोरों ने महाराज कपड़े तक छीन लिए। विदल भी कुछ नहीं कर पाया,
चारु वस्त्रा मनोहरा, इनके कपड़े भी उतरवा लिए, उनको दया नहीं आई। अब ये बिचारी करती तो क्या करती, सब लोग साथ छोड़ गए। तो अपने मनोरमा अपने पुत्र को लेकर के नाव पर बैठी और नाव से महाराज गंगा पार की और वहां भरद्वाज के आश्रम में पहुंच गई। जब भरद्वाज के आश्रम में पहुंच गई अपने पुत्र को लेकर के सुदर्शन को, मुनि के चरणों में प्रणाम करके सारी घटना बता दी और कहा कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है, आप मेरी रक्षा करो, नहीं तो मेरा वध हो जाएगा, मेरे बच्चे का वध हो जाएगा और मैं बच्चे की रक्षा करना चाहती हूं। ऋषि ने करुणा करके कहा, निर्भया वत्स कल्याणी पुत्रम पालय सुब्रते। अरे कल्याणी, तू निर्भय होकर के यहां निवास कर, नते भयम विशालाक्षी, तुम यहां बिल्कुल भयन मत करो, यहां कोई भी शत्रु तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अपने पुत्र को पालो और निश्चित रूप से मैं कहता हूं, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा पुत्र अवध का राजा बनेगा। ये ऋषि का आशीर्वाद था। नात्र दुखम तथा शोका, इसलिए तुम अत्र दुखम न कुरिया, तुम यहां दुख मत करो और यहां विलाप भी मत करो, यहां शांत होकर के निवास करो। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि वह तो वहां रहने लगी, तब तक यहां जो अकाशी नरेश थे युधाजित, उन्होंने अपनी बेटी के बेटे को अवध का राजा बना दिया। अभी महाराज बच्चा छोटा था, मंत्रियों की भी नहीं सुनी। वशिष्ठ को डांट करके कहा कि तुम लोग बड़े चालाक हो, सुदर्शन बहुत सीधा है, इसलिए सुदर्शन को राजा बना करके तुम मंत्री सब मिलकर लूटना चाहते हो, और जो हमारा बेटी का बेटा है वो चतुर है, उसको तुम बुद्धू नहीं बना सकते, इसलिए तुम चालाक लोग ये समझते हो कि बुद्धू आदमी राजा बने तो उसको बुद्धू बना के रखा जा सकता है, तो राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, तुम लोग तो राजा बन नहीं सकते हो, इसलिए तुम उसका पक्ष ले रहे थे। और महाराज राज्य में बैठाल करके युधाजित ने विचार किया कि निश्चित रूप से हमको उस बच्चे को भी मार देना चाहिए, अगर वो बच्चा जिंदा रहेगा तो कभी न कभी राज्य का झगड़ा होगा और हमारे बेटी के बेटे को कष्ट होगा, इसलिए सेना लेकर के महाराज खोजना प्रारंभ किया। और खोजता खोजता जब उसको पता चला इस रास्ते में यहां लूटी गई, इसके बाद यहां हुआ, यहां हुआ, उसको पता चला कि भरद्वाज आश्रम में है, तो वहां पर पहुंच रहा था, किंतु जब पता चला मनोरमा को तो मनोरमा ने आकर ऋषि के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके कहा कि महाराज, मैं आपकी शरण में हूं और मैं जानती हूं कि कई बार व्यक्ति शरण में होने के बाद भी सावधान न रहे शरण करता तो कहीं ना कहीं शरण में रहने वाला दुख पा जाता है। बोले महात्मा, धौम के यहां महाराज पैल जावली गौतम भृगु चवन अत्रि गौतम कर्ण बड़े बड़े महात्मा रहते थे, और पांडव लोग जब वनवासी बनकर के गए थे तो उन्हीं के यहां रुके हुए थे, और संयोग से 11 वर्ष बीत रहे थे, तो 11 वर्ष जब बीत रहे थे तो ये एक हिरण के पीछे पांचों भाई चले गए, तो वहीं द्रौपदी बैठी थी आश्रमे चारु सर्वांगी निर्भया मुनि संब्रते। वो तो बिल्कुल निर्भय थी कि हम ऋषियों के बीच में हमारा कौन कुछ बिगाड़ सकता है। इतने में महाराज वहां पर एक राजा आ गया, धनुर्धर वीर आ गया, और आकर के जब बैठा और उसने जब देखा, ये जयद्रथ था महाराज, जब इसने देखा कि ऋषि महाराज कन्याओं के बीच में इतनी सुंदरी कौन है, और जब उसको पता चला कि ये पांडवों की पत्नी है, ताम विलोक असिता पांगी देव कन्या मिपा परम, वह चिंतन करने लगा कि ये इतनी सुंदर, क्योंकि द्रौपदी बहुत सुंदर थी, असिता पांगी ये कौन है, भार्या कस्य, ये किसकी भार्या है, सुतः कस्य, बेटी किसकी है, नामना का इसका नाम क्या है, रूप लावण से युक्त है। और जब महाराज उसको पता चला कि ये तो पांडवों की पत्नी है,
तो पांडवा नाम प्रियम प्रिया भारिया द्रौपदी सुमलक्षणा, तो जयद्रथ ने महाराज तुरंत पकड़ना चाहा उसको जबरदस्ती, तो धौम ने महाराज उनको डांट करके समझाया था और कहा था ये तुम्हारा उपयोग प्रयोग ठीक नहीं है। तो महाराज मैं भी आपकी शरण में हूं और मैं जानती हूं कि इस समय युधाजित्त के चित्त में लोभ आ गया है, लोभश्चेतस चित्तांसी, लोभ जिसके चित्त में आ जाता है उसके जीवन का संयम चला जाता है। लोभ हतप प्रकुवंती पापानी प्राणिना किल, लोभ के कारण व्यक्ति कितने पापी व्यक्तियों की हत्या कर दे कुछ पता न चले, इसलिए आप हमारी रक्षा करो। इन्होंने कहा तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, किले में हो। आश्वासन ऋषि का मिला, मनोरमा वहां रह रही, तब तक महाराज ये सेना लेकर के आश्रम को घेर लिया और आश्रम घेर करके युधाजित ने जाकर के कहा कि महाराज मुने मुंच हटे सौम्य, अपना हट छोड़ दो और मनोरमा को यहां दे दो। हमारे परिवार की बात है, मुझे क्या करना है कैसे रखना है ये मुझे जानकारी है, तुमको इसमें कोई बीच में आने की जरूरत नहीं है, और नहीं दोगे तो जबरदस्ती ले जाऊंगा। सेना लेकर आया था, किंतु ऋषि ने कहा नयस्य यदि शास्त्रास्ते, ये तुम बल से ले जाना चाहते हो तो सावधान सुन लो, तुमको पता नहीं है। उसने कहा क्या पता नहीं है, बोले विश्वामित्रो यथा धेनुम वशिष्ठस्य मुने पुरा। विश्वामित्र जी महाराज एक बार गए वशिष्ठ जी के यहां, इनके मंत्री ने जब ये बात कही तो ये तो जबरदस्ती करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा ये दृष्टांत दिया इसका अर्थ क्या है। तब इन्होंने महाराज बताया, इनके प्रधानमंत्री ने बताया कि साहसम नहीं कर्तव्यम सुतम राजन, राजन ये गलत साहस मत करना, सावधान होकर सुन लो, जो इन्होंने आपको संकेत दिया इसका परिणाम बहुत जटिल होने वाला है, ऐसे किसी ऋषि से टकराओ मत। उन्होंने कहा बात क्या है, बोले एक दिन वशिष्ठ जी महाराज से मिलने के लिए आए थे विश्वामित्र जी, और विश्वामित्र जी महाराज, विश्वामित्र और वशिष्ठ के युद्ध की बड़ी लंबी कहानी है, महाभारत में तो इतने अध्यायों में है कि कैसे कैसे युद्ध की घटना घटी है, और उसका मूल यही था कि जब विश्वामित्र जी महाराज आए तो इनके साथ सेना थी, मंत्री थे, और वशिष्ठ जी महाराज ने इशारा किया तो इनके यहां जो धेनु थी गाय, महाराज नंदिनी नाम था उस गाय का, वो ऐसी दिव्य गाय की सबका स्वागत कर दिया, अनेक दास दासियां प्रकट कर दिए, सबके भोजन की व्यवस्था, सबके रहने की व्यवस्था, सबके खाने की व्यवस्था केवल नंदिनी गैया ने कर दिया। देख करके विश्वामित्र को लगा कि कमाल की बात है, ये ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय राजा हूं, मेरे पास सेना है, वैभव है, तो ऐसी गाय इनके इनके पास रहे क्यों, वो हमारे पास रहनी चाहिए, ये लोभ की वृत्ति महाराज बड़ी खतरनाक है, ये हमारे पास रहनी चाहिए। तो जाकर के विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी महाराज को कहा मुने धेनु सहस्रम ते, हे महात्मा जी मेरे से 1000 गाय ले लो और सब दूध देने वाली बछड़े वाली ले लो, नंदनी देह में धेनु, और मुझे 1000 गाय के बदले 1 गाय वापस ये दे दो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। पहले तो विनम्रता से बोले वशिष्ठ जी ने कहा कि ये मैं नहीं दे सकता हूं क्योंकि वह हमारी है और हमारे उपयोग की है। इन्होंने कहा कि नारायण महाराज दे दीजिए, नहीं दोगे तो जबरदस्ती ले जाऊंगा। इनको अपने क्षत्रित्व का बल था महाराज कि हमारे पास इतना बल है, इतनी सेना है, ये क्या कर लेगा बाबा जी, हमारे सामने कहां टिकेगा। और जो महाराज गाय को ले जाने लगी, गाय ने देखा ऋषि को, दुखी होकर हुआ, संकल्प किया, ऐसी सेना प्रकट हुई कि आपको क्या कहें, विश्वामित्र जी महाराज के तो छक्के छुड़ा दिए। और विश्वामित्र जी महाराज को उस दिन लगा हंत पापोति नातात्मा बिंदन छात्र बलम महत, आज मुझे पता चला
कि छत्र बल बड़ा नहीं होता है, निंदन छत्र बलम। यदि महाराज बल कोई बड़ा है तो तपस्या का बल बड़ा है, और जिसके पास तप का बल है जान दीजिए उसके सामने सारे के सारे बल फेल है। किसी ने बहुत सारे संपत्ति कमा ली हो, बहुत नाम कमा लिया हो, किंतु तपस्वी से यदि टकरा गया तो सब चकनाचूर हो जाएगा। तपस्वी के सामने उसका कुछ टिक नहीं सकता है। अभी हमको एक सज्जन ने बताया, हम तो आश्चर्यचकित रह गए, आश्चर्यचकित। एक भागवत के बहुत बड़े विद्वान जिन्होंने महाराज सारी टीकाएं एक जगह इकट्ठी की भागवत की। वो महापुरुष को विद्यापीठ बनाना था तो 100 एकड़ जमीन उन्होंने ली गुजरात में उनके ट्रस्टियों ने, और जमीन जो खरीदी थी उसमें एक महात्मा थे बीच में, गंजेड़ी भंगेड़ी महात्मा। कोई उनके पास वैभव नहीं था, 40 साल से शायद वहां रह रहे थे, और हमारे पूज्य शास्त्री जी कहीं गए थे तो ट्रस्टियों ने उनको जबरदस्ती उठा करके हटा दिया, क्योंकि वो आश्रम के नक्शे में, विद्यापीठ के नक्शे में उनका स्थान आ रहा था। उनके नाम था नहीं, वो उनके नाम नहीं था, वो तो ऐसे रह रहे थे 40 साल से, कहीं रजिस्ट्री थी नहीं। बहुत रोए वो महात्मा और कहा हमको कोने में जगह दे दो, मैं बूढ़ा हो गया हूं कहां जाऊंगा, किंतु किसी ने सुना नहीं। और महाराज जो हटाया तो उन्होंने कहा कि न तो यहां विद्यापीठ कभी सफल होगा, ऐसे ही बोले, न तो कभी विद्यापीठ सफल होगा ना वो सुखी से रहेगा जिसकी जमीन है। और उनको कहा कि मैं संकल्प करता हूं 7 दिन के अंदर उसका पुत्र मर जाएगा। आप लोगों को जानकर हमें तो रोवे खड़े हो गए। अभी हमको अजमेर में बताया कोई उनकी सेवा में रहने वाले व्यक्ति ने, और महाराज ये बात सुख शास्त्री जी कहीं कथा करने गए थे, उनका इतना योग्य पुत्र था, करदम नाम था उसका, कथा कर रहा था बड़ौदा में, शाम को कथा करके इसे व्यासपीठ से उतरा, महाराज दर्शन शास्त्र से पीएचडी करके आया था, करदम नाम था, योग्य बालक, और बस स्कूटर उठाया तुरंत वहीं स्पोर्ट पर चला गया। फिर शास्त्री जी को पता चला तो पूज्य शास्त्री जी महाराज दंडवत करते हुए अपने स्थान से लेटते हुए, बड़े विनम्र थे महापुरुष, और कहा कि आप यहां रहो, हमारे यहां रहो, घर में रहो, इन लोगों को पता नहीं है कि आप इतना बड़ा अपराध किया है। फिर उन लोगों से बोले नहीं जिन्होंने हटा दिया था। तो जब मैंने सुना तो मुझे उस दिन लगा कि कोई कितना भी वैभव इकट्ठा कर रखा हो, कितना भी नाम प्रतिष्ठा इकट्ठी कर रखी हो, जिसके पास तप का बल है वो सर्वश्रेष्ठ बल है। इसलिए यहां एकदम स्पष्ट शब्दों में हमारे श्री वेदव्यास जी महाराज ने कहा है कि सबसे बड़ा यदि कोई बल है तो निश्चित रूप से तप का बल है। और दया सर्वत्र कर्तव्या दैवाधीन मिदम जगत, उन्होंने कहा देखो भाई सबके साथ दया करनी चाहिए। समझाया ऋषि ने इसको और कहा दया करनी चाहिए क्योंकि ये सारा का सारा संसार दैव के अधीन है। आज अपने विद्या के बल पर, संपत्ति के बल पर, बाहुओं के बल पर आप इतरा रहे हो, एक पलक झपते ही सब उल्टा हो जाएगा। ये गणित जितना लगा करके हम लोग बैठते ना, 1 मिनट में गणित बिगड़ जाती है सारी की सारी, 1 मिनट में। और ईर्ष्या किम नप श्रेष्ठ यद भाव्यम तद भविष्यति, कहा कि ईर्षा मत करो, तुमको लगता है कि मेरे पास, ये वशिष्ठ जी महाराज समझा रहे हैं उनको, कहा ईर्षा मत करो, ये ईर्षा करने से कुछ नहीं होता है। यद भाव्यम तद भविष्यति, जो होना होगा वही होगा, और जो होना नहीं है वो हो नहीं सकता है। इसलिए वज्रम त्रणायते राजन, अरे राजन कई बार ऐसा होता है कि वज्र तृण बन जाता है और तृण वज्र बन जाता है, एक छोटा सा तिनका भी जीवन लेने वाला बन जाता है। सस्को हंति शार्दूलम मस्को वही तथा गजम, अब जरा विचार करो, जंगल का छोटा सा जंतु खरगोश, ये कभी क्या हाथी को मार सकता है?
और एक मच्छर, मस्कह माने मच्छर, मस्को वही तथा गजम, एक छोटा सा मच्छर हाथी को मार सकता है किंतु महाराज मार सकता है। समय बदलता है ना, तो छोटा सा खरगोश भी बड़े से बड़े हाथी सिंह को बध कर देता। हम नीति शास्त्र में बचपन में पढ़े थे कि खरगोश सिंह के पास गया और सिंह के पास जाकर के कहा कि राजन आप तो जंगल के राजा हो, हमारे भी राजा हो, मैं भी आपको राजा मानता हूं, किंतु पता नहीं एक जंगल में और कोई आ गया है और वो कहता है कि वो सिंह राजा नहीं, वो तो सियार है, डरपोक है हमसे, और राजा तो मैं हूं, मेरा ही सर्वत्र सब कुछ चलता है। तो वो सिंह ने कहा वो है कहां, बोले चलो हमारे साथ अभी दिखाता हूं, और खरगोश ले गया हमारा ससक। एक कुआं था, वो बोले खरगोश ने कहा कि वो इसी में घुसा है, ये गुफा है, और वो महाराज सिंह खड़ा होकर दहाड़ा। जब दहाड़ा तो प्रतिध्वनि आई, कुएं से प्रतिध्वनि आती है, कुएं से प्रतिध्वनि आई, फिर दहाड़ा, फिर प्रतिध्वनि आई, तो क्रोध में आकर कुएं में कूद गया और वहां तो जल भरा था, मर गया। तो कई बार देखो बुद्धिमान व्यक्ति छोटा सा जंतु हो किंतु बड़े से बड़े खूंखार व्यक्ति को भी समय सिखाने लगा दे, ऐसे महाराज जो मच्छर है, अब मच्छर तो फूंक दो तो उड़ जाने वाला है, किंतु इतने विशाल शरीर वाले हाथी को भी कई बार मार देता है। साहसम मुंच में धाविन कुर में वचनम हितम, उन्होंने कहा सावधान होकर हमारी वाणी सुनो, झगड़े के चक्कर में मत पड़ो। और यही बात हमारे श्री भरद्वाज जी ने समझा दी इसको युधाजित को, और युधाजित ने मारा जब तत्सुत्वा वचनम तस्य, वो जब उसने वचन सुना तो प्रणम्य तम मुनि मूर्धना जगाम स्वपुरम नप, साष्टांग प्रणाम किया युधाजित ने और प्रणाम करके कहा कि महाराज आज्ञा दीजिए, मैं घर जा रहा हूं, आपकी बेटी है आपके पास रहे। और ये कह करके महाराज वो तो चले गए, किंतु इधर क्या हुआ कि जो मंत्री था ना बिडाल बिदलाल, तो ये जो मंत्री था इसका नाम उच्चारण नहीं कर पाते थे लोग। अब नाम उच्चारण न कर पाए तो कभी कुछ कहें कभी कुछ कहें। हम लोगों के यहां एक पुजारी जी थे, अभी माता जी हैं, वो नेत्र नहीं है, चली गई, शिव मंदिर के पुजारी थे। तो हम लोग कई बार भोजन करते थे ना, तो माता जी से पूछते थे हमारा नाम क्या है, तो माता जी कहती थी सर्वणानंद, उनसे सर्वणानंद उच्चारण नहीं होता था। वो पूछते चाची हमारा नाम क्या है, कहती थी सर्वणानंद। ऐसे हमारे एक महात्मा है प्रणवानंद, तो हमने पूछा इनका नाम क्या, बोले पड़वानंद। अब अर्थ ही बदल गया। तो अब जिसको उच्चारण न हो तो कहीं कुछ का कुछ कह दे, तो जब भी कहते हम लोग खूब हंसते थे, जानबूझकर पूछते थे, अब तो नहीं आ पाती वो, जब भोजन करने बैठते तो पूछते चाची हमारा नाम क्या है, तो कहती सर्वणानंद। अब उसको श्रवणानंद उच्चारण बनता ही नहीं था। तो अब कई बार नाम उच्चारण हो तो बालक लोग उस मंत्री का नाम उच्चारण नहीं कर पाते थे, उसके साथ खेलते तो थे ऋषि कुमार। एक दिन इस ऋषि कुमार के मुख से महाराज उसके बारे में निकल गया क्लीब। अब उच्चारण उसके लिए निकल गया क्लीब। बालकों ने तो उसको कहा क्लीब का नपुंसक ही होता है, उसको कहा उसको छेड़ रहे थे, और ये हमारे महाराज सुदर्शन के कानों में पड़ गया, और पढ़ने के कारण वो बार बार उसी के चित्त में वो बार बार शब्द चलता रहे, रात्रि में दिन में भी कभी कभी क्लीब 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 क्लीब। वो है शब्द क्लींग, बीज मंत्र है, और उसके उच्चारण करने से महाराज एक दिन तो भगवती प्रसन्न हो गई, रात्रि में भगवती प्रसन्न हुई, उनको दर्शन दिया और कहा कि पुत्र तुम चिंता हो, सभी वेदों का जानकार बना दिया, ये देखिए बीज मंत्र का प्रभाव, और कहा तुम चिंता मत करो, काशी नरेश की कन्या शशिकला से तुम्हारा ब्याह होगा और बाद में तुमको राज्य भी मिलेगा। भगवती की ऐसी कृपा महाराज, जब कृपा होती नहीं तो भगवान कहां से कैसे करते हैं, जहां रास्ते में इसकी सारी संपत्ति लूट ली गई थी, कपड़े भी उतरवा लिए गए थे, याद रखो, वहीं से निषाद इनके लिए दिव्य रथ लेकर आया।
रथ ले आया, घोड़े ले आया, सेवक ले आया और कहा कि आप इस रथ पर चला करो। ये भगवती की कृपा थी, अपने आप साधन आ गया। और संयोग से महाराज यहां वर्णन है कि काशी नरेश की जो बेटी थी जिसका नाम था शशिकला, वह शशिकला ने एक दिन भगवती को देखा स्वप्न में और भगवती ने सुदर्शन का यश गाया और सुदर्शन का यश गा करके कहा कि तुमको वरण उसके साथ करना है, तुमको ब्याह उसके साथ करना है। इन्होंने कहा कि जरूर आपकी जैसी आज्ञा है। अब उसको कभी देखा नहीं था तो संयोग से चित्त में उत्कंठा थी शशिकला के कि एक बार कैसे भी हम उसका दर्शन कर लें, अपने पति का जो होने वाला पति है। तब तक महाराज रास्ते में एक ब्राह्मण आता हुआ दिखा बगीचे में जहां एक खेल रही थी, तो उनको लगा कि शायद ये ब्राह्मण भरद्वाज आश्रम का बालक है ऋषि कुमार। तो शशिकला ने जाकर के तम प्रणम्य दुजम श्यामा भवासे मधुरम बचा प्रणाम करके कहा कि आप कहां से आए हो ब्रह्मचारी जी, कहां जाना चाहते हो? तो तुरंत ब्रह्मचारी जी महाराज ने कहा भरद्वाज आश्रमात वाले, अरे सुंदरी मैं भरद्वाज आश्रम से आया हूं और नूनम आगतम मम, यही अभी अभी आया हूं। जातम वही कार्य योगे न किम पृक्षसि वदस्व मे, मैं तो अपने कार्य के लिए आया हूं, तुम मेरे से क्यों पूछ रही हो कहां जाना है? तो शशिकला ने हाथ जोड़ करके कहा तवाश्रमे महाभाग वरणीयम किमस्ति वही, तुम्हारे आश्रम में देखने लायक क्या चीज है, तुम्हारे आश्रम में कौन सी ऐसी सुंदरता है जहां तुम रहते हो जिसको देखने के लिए लोग वहां आए? अगर हम आए तो तुम्हारे आश्रम में कौन कौन से दर्शनीय स्थान है आप कृपा करके बताओ। तो ब्राह्मण कुमार ने कहा वहां एक ही देखने लायक है, युद्ध सन महाराज ध्रुव संधि सुत श्रीमान, एक युद्ध महाराज ध्रुव संधि का बालक है जिसका नाम सुदर्शन है, केवल वही दर्शन करने लायक है। पता नहीं भगवान ने उसका नाम भी सुदर्शन रखा है और है भी सुदर्शन। यथार्थ नामा सुश्रोणी वर्तते पुरुषोत्तम, जैसे उसका नाम है वैसे है भी बहुत सुंदर। और तस्य लोचन, उसके नेत्रों का तो क्या कहना है। मैं सच कहूं देवी जी हमारी बात कान खोल के सुन लो, जिसने उसको देखा नहीं उसके नेत्र सफल ही नहीं है। एक बार तुम भी देख लो उसको, उसको लगता है पता था, क्योंकि मित्र रहा होगा तो कोई ना कोई चर्चा हुई होगी। तो महाराज एक बार तुम उनको देखो तव योग्य कुमार औसव, मैं सच कहता हूं वो तुम्हारे योग्य ही कुमार है। जैसे तुम सुंदर हो वैसे वो भी सुंदर है और विधाता ने तुम दोनों की जोड़ी बनाई है। ये महाराज कह के तो यहां साहित्यिक वर्णन है। अब उस देवी जी को कुछ अच्छा नहीं लगता था, न भोजन अच्छा लगे, न शयन अच्छा लगे, न नींद अच्छी लगे, न तांबूल अच्छा लगे, न गीत अच्छा लगे, उसको नींद ही नहीं आती थी। रोग ही खतरनाक है, इतना खतरनाक रोग लग गया कुछ पूछो ही नहीं। महाराज बड़ी बेचैन बड़ी दुखी, इसके पिताजी ने सोचा कि बेटी बड़ी हो गई है, तो महाराज उन्होंने बहुत बड़ा स्वयंवर रख दिया और सबको बुलाया, आहूत किया, देश देश के राजा महाराजा सब आए और बेटी का वरण कहे स्वयंवर में। किंतु जब महाराज देवी ने उसको सूचना दी तो हमारे सुदर्शन भी उसी रथ पर आरूढ़ होकर के चल पड़े। अब ना राज्य है इनके पास, ना संपत्ति है, किंतु जब वहां पहुंचे तो राजाओं ने बड़ी खिल्ली उड़ाई सुदर्शन की कि किस मुंह को लेकर के आए हो? तो ये कहते थे हम तो अपनी मां की आज्ञा मानकर आए हैं, मेरी आज्ञा मां ने दिया है कि तुम वहां जाओ। तो बोले तुम किस मुख से यहां ब्याह करोगे, यहां बड़े बड़े राजा, उसका भाई भी महाराज आया हुआ था जो उस समय राजा था शत्रुजित, वो भी सेना लेकर आया था, शत्रुजित के नाना भी युधाजित भी सेना लेकर आए थे। तो उन्होंने कहा कि तुम किस आधार पर ब्याह करोगे, राज्य तुम्हारे पास है नहीं। तो कहा केवल मां की आधार पर, और महाराज सब लोगों ने कहा इसको मार डालो। युधाजित तो योजना ही बना के रखा था कि मार देंगे, किंतु काशी नरेश ने तो उनको घर में स्थान दे दिया क्योंकि भगवती ने उनको कहा। और काशी नरेश को भी उसने ललकारा युधाजित ने कि अगर तुम
अब इस स्वयंवर का निमंत्रण देख करके ऐसे ब्याह कर दोगे तो निश्चित रूप से हम मार देंगे और उसको भी मारेंगे तुम्हें भी मारेंगे। किंतु चुपचाप रात्रि में महाराज कर दिया गया ब्याह और दूसरे दरवाजे से बेटी को भी निकाल दिया। केवल अकेले हमारे श्री सुदर्शन जी बेटी को लेकर चले शशिकला को और इधर चारों तरफ से सेना ने घेर लिया। अब इनके पास इतना बल तो था नहीं, भगवती का स्मरण नारायण किया है और भगवती की कृपा से ऐसा बल मिला, भगवती साक्षात प्रकट हुई और प्रकट होकर के भगवती ने महाराज जो शत्रुजित था उसको भी मार दिया, युधाजित को मार दिया और इनको विजयी बना दिया। किंतु धन्य है विजयी बन करके सीधे गुरुदेव के चरणों में गए। मां वहीं रहती थी और उनको लेकर कहा कि आपके आशीर्वाद से गुरुदेव के आशीर्वाद से करके आए, बाद में सब लोगों ने मिलकर के अवध का राजा बना दिया हमारे श्री सुदर्शन जी को और अवध के राजा बन करके मनोरमा महारानी बन करके राजमां बन करके वहां निवास करने लगी। तो भगवती की कृपा में ऐसा कुछ असंभव नहीं है जो संभव न हो जाए, ऐसी घटना ये राजा की सुनाई। तो हम लोग भी भगवती की आराधना करें। भगवती की आराधना का क्रम अब हम कल सुनाएंगे क्योंकि आराधना कैसे करनी चाहिए। तो नवरात्र विधि की आराधना बहुत दिव्य है। चार नवरात्रि होती हैं, उसमें दो प्रमुख हैं दो गुप्त हैं, तो उसमें कैसी आराधना करनी चाहिए और कैसे कन्या पूजन करना चाहिए उसकी सारी विधा का यहां वर्णन किया गया है। और भगवान राम ने भी नवरात्र विधि से आराधना की थी तभी रावण का वध हुआ था, उस विषय में रामचरित्र भी सुनने को मिलेगा और कल संक्षेप में रामचरित्र भी और कल आपको कृष्ण चरित्र भी सुनने को मिलेगा। इसी बहाने से कृष्ण चरित्र भी भगवती की महिमा से और रामचरित्र इसकी चर्चा नारायण कल करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति हमारी रति हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।